Hello everyone, welcome to VLT Sentinel's YouTube channel and we are here with Velocity Gaming के Tier 2 and Tier 3 scrims लेकर. Let's see कौन कौन सी टीम्स आज हमारे साथ खेल रही हैं. Slot number 3 में अगर हम देखें तो we have Team Instinct. Slot number 4 में है Lost Genics की टीम. Team number 5 is Shield Esports. Team number 6 है Legend Esports. Team number 7 है Zero Remorse. Team number 8 है कतई जहर की टीम. Team number 9 is our H Voltage. Team number 10 है XCS का टीम.
टीम 11 इज़ एसटीजी, टीम नंबर 12 हमारी यहाँ पे है मिस्टर्स का स्क्वाड, टीम नंबर 13 इज़ बगदादी, टीम नंबर 15 है एलियन की टीम, टीम नंबर 6 इज़ मायोस का स्क्वाड, टीम नंबर 17 है डीएक्स का स्क्वाड, टीम नंबर 18 इज़ एमएच, टीम 19 है टीएनएल की टीम, टीम नंबर 21 इज़ देसी कम्युनिटी एंड टीम 25 हमारे यहाँ पे है एमबॉट गेमर, D4S के भी नूडल, D4B इश्तिक एंड गोल गेमर गाउल गेमर एंड गुड लक टू ऑल द टीम्स। प्लेन पाथ अगर हम देखें तो पूरा का पूरा सदरन प्लेन पाथ हमारे यहाँ पे है हॉट स्प्रिंग से होते हुए टुवर्ड्स डॉबरो मेस्ट्रो एंड विहार के बीच में। देव लोल्स, हाय सर, वेलकम टू द स्ट्रीम। वीर शाह, हेलो, हाय गाजी मोमेन, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नितिन, हेलो नितिन। अंश, हाय अंश। एंड गाइस अगर आप लोगों को भी पार्ट लेना है इन कस्टम्स में तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, उसके बाद आप लोग भी खेल सकते हैं। गौतम, हाउ टू रजिस्टर? सर डिस्कॉर्ड पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। आई फैंटम, वेलकम टू द स्ट्रीम। एंड मैं भी लेजेंड क्लान में हूँ, यही वाले लाइनअप में। अरे नाइस सर, ओके गाइस मैच हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड जो लोग पूछ रहे हैं कैसे खेल सकते हैं, डिस्कॉर्ड पर रजिस्ट्रेशन होता है तो फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए। डिस्कॉर्ड पर मॉडरेटर्स जो है वो आपको हेल्प कर देंगे, उनका हेल्प लीजिए रजिस्ट्रेशन में, दे विल हेल्प यू आउट। एंड लेट्स सी टीम्स को अगर हम देखें, पॉडवो में मुझे काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पे ग्लाइड करते हुए दिख रही हैं। तो सबसे पहले लेट्स गो टूवर्ड्स पॉडवो, टीम नंबर 11 हमारा एसटीजी का स्क्वाड है एंड टीम नंबर 8 एज वेल कतई जहर की टीम है। कतई जहर के वॉन्टेड को अभी तक कोई गन नहीं मिला है। इनके टीममेट अकुमो के पास अगर चले तो इनको यहाँ पे मिल चुका है उजी। कार्तिकी के पास अगर चले तो बाइजन यहाँ पे मिलते हुए, स्ट्रेंजर के पास अगर हम देखें तो M16 यहाँ पर है। एसटीजी साइको नो लूट अभी तक। नाइट फ्यूरी को देखें तो थॉमसन यहाँ पे मिल चुका है। एरर इज है विद एन MP5 के, तो एक अर्ली फाइट यहाँ पे पॉडवो में हम एक्सपेक्टिंग की शायद हो सकता है। कस्टम कैसे ज्वाइन करें सर? डिस्कॉर्ड पर जाइए, डिस्कॉर्ड पर मॉडरेटर्स विल हेल्प यू। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर स्ट्रीम अच्छा लग रहा है तो फटाफट से प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रोहन वीकली, बिग शाउट आउट टू यू, बिग शाउट आउट टू लेजेंड ईस्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच रोहन फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। लेट्स सी, नाइट फ्यूरी इज विद इन उजी, टीम नंबर 11 है एसटीजी। एरर को अगर हम देखें तो उजी इनके पास में है। साइको इज है विद अ थॉमसन, टीम नंबर 13 भी मुझे इनके पास में दिख रहा है। दैट इज आर बगदादी का टीम, बगदादी के बने यहाँ पे हैं G360 के साथ। 4 PM क्रिप्टन विद अ G360 एंड टीम नंबर 16 से सबसे पहला नॉक यहाँ पे हमारा आते हुआ। लेट्स सी जल्दी से हम चलेंगे टीम नंबर 16 की टीम के पास। एक प्लेयर इनके नॉक हो चुके हैं एलियन की टीम के साथ, यहाँ पे जो इनका फाइट चल रहा है। एमबॉट गेमर इंस्टेंट की टीम से यहाँ पे नॉक होते हैं। दोनों टीम्स को अगर मैं देखूँ तो वाइनरी में यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप इन किया था एंड अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट थे यहाँ पे नॉक्टर्स, जिसकी वजह से नॉक हो गए हैं। रिवाइव तो नहीं मिल पाएगा, बैकअप शायद से यहाँ उनको नहीं मिल पाएगा। एलएनसी पिकाचू की तरफ अगर हम चलते, पिकाचू विद G360 एंड आई थिंक यहाँ पे इनके पास शॉट्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टीम इंस्टेंट की तरफ भी अगर हम नजर डालें तो टीम 25 भी इनके पास में है। तीन स्क्वाड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एलएनसी टीम नंबर 25 के देखे तो एमबॉट गेमर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। गाउल गेमर इज विद एन उजी, टीम नंबर 9 के चारों प्लस एच वोल्टेज की टीम इनके पास में है। एंड टीम 16 से एक और नॉक आते हुए पिकाचू ने किल भी अपना कन्फर्म कर दिया। टीम 16 दो प्लस अपने लूज कर चुकी है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें टीम नंबर 25 सैंडविच हो सकती है बिटवीन टीम इंस्टिंक्ट एंड टीम नंबर 9 एच वोल्टेज के स्क्वाड के बीच में। समित को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाउल गेमर के पास में। तो एच वी समित इज द टीम नंबर 25 के गाउल गेमर की तरफ अगर चले तो लेट्स सी। टीपीपी यहाँ पे लेते हुए पुश आ रहा है, बहुत ही प्यारा ग्रेनेड यहाँ पे आईएमजी स्पार्क का आया, दो प्लस नॉक होते हुए गाउल गेमर अकेले बचे हैं। उजिंग का रिलोड पर रखते हुए पुश यहाँ पे आ चुका है समित का एंड गाउल गेमर इज डाउन। गाउल गेमर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, नूडल अकेले यहाँ पे बचे हैं। अपनी टीम को रिवाइव यहाँ पे देखिए, INT की टीम से बहुत ही प्यारा ग्रेनेड यहाँ पे आया था एंड टीम INT यहाँ पे जो है मुझे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। स्पार्क का पुश यहाँ पे आया एंड फिनिश यहाँ हो गया है टीम नंबर 25 एंड इसी के साथ हमारी टीम 25 तो यहाँ पर एग्जिट लेते हुए एंड टीम INT ने अपने लिए 3 किल्स यहाँ पे सिक्योर कर लिए हैं। स्पार्क को अगर मैं देखूँ तो ट्रांसफॉर्मर इनके सामने मुझे दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पे एक और ग्रेनेड मुझे इनकी साइड से जाते हुए दिखाई दे रहा है। टीम 25 पे तो बहुत प्यारा ग्रेनेड यहाँ पे स्पार्क का आया था।
ट्रांसफॉर्मर को अगर हम देखें तो वेयरहाउस के बाहर टीपीपी ले रहे हैं, पीछे से अगर हम देखें तो मास्टर एंड वेनम यहाँ बैकअप देने का ट्राई करेंगे। फॉर्मेशन अभी के लिए अगर हम देखें टीम नंबर थ्री का काफ़ी अच्छा है, डैमेज भी यहाँ पे मिला ट्रांसफॉर्मर नॉक होते हुए। टीम नंबर थ्री के आईएनडी मास्टर दो नॉक यहाँ पे ले चुके हैं। टीम नंबर नाइन सैंड पुश यहाँ पे जाते हुए टीम नंबर नाइन के पास ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पे नॉक है। टर्मिनेटर की तरफ अगर चले तो टर्मिनेटर को भी यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ कर दिया। काफ़ी अच्छा बैक टू बैक किल्स यहाँ पे जो है इन्होंने निकाले हैं, टोटल 7 किल्स यहाँ पे जो है टीम इंस्टिंक्ट के। सुपर, बहुत अच्छा। टीम 11 की तरफ अगर हम चले तो लेट्स सी एसटीजी की टीम हमारी यहाँ पे है एंड टीम नंबर 8 एज वेल, दैट इज आवर कतई जहर की टीम, अनिल सिंह कतई जहर, व्हाट अ नेम, नाइस भाई। अपना अपना मर्जी है, कोई भी नाम रखे, अच्छा नाम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। साहिल प्रमोशन कौन से बेसिस पर होता है? सर आपको डिस्कॉर्ड पर जाना पड़ेगा, डिस्कॉर्ड पर जाइए, मॉडरेटर्स आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लॉस्ट क्लिपर यहाँ पे जो है बगदादी की टीम से नॉक होते हुए, लेट्स सी टीम नंबर 13 के पास में अगर हम चले तो बनी नहीं यहाँ पे जो है लॉस्ट क्लिपर को नॉक एंड फिनिश यहाँ पे कर दिया। टीम नंबर 4 के बेंजीन को अगर हम देखें शॉर्ट्स इन पे आते हुए दिखाई दिए थे टीम 13 की साइड से, बट स्वैपी ओपी एंड बेंजीन तो यहाँ से इजीली अपना फॉल बैक कर लेंगे। फ्रैंकलिन को भी अगर हम देखें टीम 13 के पास से यहाँ पे जो है मूव कर रहे थे एंड एक प्लेयर अपना यहाँ पे जो है लूज कर चुके हैं, क्लिपर यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए। एंड पॉडवो में अभी भी हमारा टीम 11 एंड टीम नंबर 8 चल रहा है। टीम 19 के पास में अगर हम चले तो TNL बैट्स यहाँ पे हैं एंड इनके पास में टीम नंबर 16 इज ऑल्सो देयर। TNL बैट्स यहाँ पे इनके पास में टीम 16 जो कि स्टार्टिंग में ही अपने दो प्लस लूज कर दिए थे तो उनके प्लस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। स्प्लिट अगर होती है टीम तो थोड़ा सा दिक्कत आता है एंड प्लस सिंगल सिंगल पिक ऑफ होते हैं, जिससे टीम 16 के प्लस हुए एंड फिनिश यहाँ पे हो गए। बैट्स को अगर देखिए बहुत ओपन में यहाँ पे मूव कर रहे हैं, काफ़ी रिस्की इनके लिए हो सकता है, स्पेशली जब इनके पास में दो टीम्स हैं, दैट इज़ आर टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 17 एज वेल। जोन हमारा पूरा सदरन जोन यहाँ पर बना है, सेंटर ऑफ द जोन यहाँ होल्ड किया हुआ है। लॉस्ट की टीम ने एडवांटेज रहेगा, नेक्स्ट जोन भी इनके फेवर में बन सकता है। टीम नंबर 8 की अगर हम बात करें तो टीम नंबर 8 ने तो पॉडवर्म से यहाँ पे जो है फॉल बैक कर लिया है, रोटेशन यहाँ पे जो है लेना स्टार्ट कर रहे हैं। Let's see, TNL Bats is there, टीम नंबर 16 के काफ़ी पास से यहाँ पे जो है मूव कर रहे। टीम नंबर 10 की अगर हम बात करें XCS का स्क्वाड यहाँ पे है, XCS के टीजर इज देयर, हॉट स्प्रिंग्स में इन्होंने जो है यहाँ पे ड्रॉप इन किया था एंड अभी फिलहाल जोन की तरफ यहाँ पे रोटेशन ले रहे हैं। जोन हमारा वाइनरी की तरफ है, नोवात्रा की तरफ यहाँ पे शिफ्ट बना हुआ है एंड मोस्टली जैसे कि वीकेंड में वाटर जोन बनते हैं यहाँ पर भी हमारा वाटर जोन जो है बनते हुए। इकॉनिक भी यहाँ पे अगर हम देखें अलग अलग व्हीकल्स कैरी कर रहे हैं, आई थिंक मीरामार एंड वीकेंड एक ऐसा मैप है जिसमें व्हीकल्स का जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज कवर यहाँ बनाना पड़ता है, बहुत ओपन हो जाता है। तो लेट्स सी टीम नंबर 10 इज देयर, व्हीकल्स अलग अलग कैरी करते हुए आई थिंक वाइनरी की तरफ ये टीम रोटेशन ले रही है। वाइनरी में हमारा एलियन का स्क्वाड ऑलरेडी यहाँ पर है तो एलियन वर्सेज टीम नंबर 10 शायद यहाँ पर हो सकता है। XCS टीम 16 से अगर हम देखें तो एक नॉक यहाँ पे जो है TNL की टीम से लेते हुए, TNL की टीम से यहाँ पे एक प्लेयर जो है नॉक हो चुके हैं, दैट इज बैड्स। एंड साइफर को अगर हम देखें तो फिनिश तो खैर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, अभी किल सिक्योर करने में थोड़ा सा इनको यहाँ पे दिक्कत आएगा, बिकॉज अच्छा खासा कंपाउंड का कवर यहाँ पे मुझे दिख रहा है टीम नंबर 19 के प्लस के पास, कंपाउंड एक होल्ड किया हुआ है तो इतना दिक्कत नहीं रहेगा। एन एस सच पुश भी आते हुए नहीं दिख रहा है एंड इनके बिल्कुल घर में यहाँ पे जो है ड्रॉप आते हुए इसमें आया है ग्रोजा, 7.62 एमओ, लेवल 3 आर्मर एंड लेवल 3 का बैकपैक। टीम नंबर 15 के काफ़ी पास से यहाँ पे रोटेशन लेते हुए XCS का स्क्वाड लेट सी क्या पिकाचू यहाँ शॉट उन पर ले लिया, साउंड तो इनको आ चुका है। M7 से यहाँ पे शॉट्स भी लेने का ट्राई किया, टीम नंबर 10 को यहाँ पे आइकॉनिक को डैमेज भी अगर मैं देखूँ तो मिला है। तो लेट्स सी कि टीम नंबर 10 के प्लस यहाँ रुक के फाइट लेंगे या नहीं। सैफ के पास अगर हम चले, सैफ अभी तक आई गेस यहाँ स्पॉट नहीं हुए हैं तो सैफ यहाँ शायद एक नॉक कर पाएंगे। लेट्स सी रिच के कवर से यहाँ पे अभी तो फिलहाल सैफ मूव करने का ट्राई कर रहे हैं एंड इनके टीममेट्स की अगर बात करें तो यहाँ से फॉल बैक कर लिया है, आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी वो फाइट ले रहे हैं। टेजर ऑल दो यहाँ पे फंस चुके हैं, व्हीकल इनका डैमेज हो गया है। तो लेट्स सी टीम नंबर 15 की तरफ अगर हम देखें तो पिकाचू यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिकाचू के पास में अगर हम चले तो टीम नंबर 15 से पिकाचू यहाँ पे जो है टीजर के ऑलमोस्ट पास में यहाँ पे आ चुके हैं। मॉली यहाँ पे जा रहा है, कनेक्ट अगर हुआ तो शायद यहाँ पे एक नॉक आ सकता है। वहीं अगर हम DX के स्क्वाड के पास चले तो XCS की टीम अंकित को नॉक एंड फिनिश यहाँ पे करते हुए, फ्लिक गॉड अकेले यहाँ पे बचे हैं। टीम 10 का पोशन के पास आया, एक नॉक यहाँ पे शायद
अटैक कर देंगे। एरिस को यहाँ पे नॉक करने का ट्राई किया, जिगल कर रहे थे बट फिनिश यहाँ पे टीम नंबर 17 को होते हुए। टीम एक्सीएस एज यूजुअल काफी अच्छे किल्स निकाल रहे, कल भी उन्होंने काफी प्यारे किल्स निकाले थे, 2 किल्स यहाँ पे अपने लिए सिक्योर करते हुए। टीम नंबर 15 के पास में अगर हम चले तो लेट्स सी, एलियन सुभाष हमारे यहाँ पे है। एलएनसी टीम नंबर 4 के पास अगर हम देखें तो टीएससी की टीम के 0 यहाँ पे जो है लॉस्ट के फ्रैंकलिन से नॉक होते हैं। फ्रैंकलिन इज द टीम नंबर 5 के पास यहाँ पे पुश आते हुए एंड एक और नॉक यहाँ पे आते हुए 2 प्लस यहाँ पे नॉक हो चुके टीम नंबर 5 के। फिनिश उनको कर दिया जाएगा बिकॉज अपनी टीम से काफी स्प्लिट है। बाज यहाँ पे बैकअप तो नहीं दे पाएंगे, अलग कंपाउंड होल्ड किया हुआ फॉल बैक यहाँ पे इन्होंने कर लिया है। इनके टीममेट के पास अगर चले तो स्पेक्टर इज ऑल्सो देयर एंड आई थिंक यहाँ पे जो है फॉल बैक मुझे करते हुए दिखाई दे रहा है टीम नंबर 4 के साथ। एज सच कोई फाइट तो यहाँ पर नहीं लेंगे। टीम नंबर 4 ने उनके दोनों प्लस को यहाँ पे जो है फिनिश कर दिया है, 0 भी शायद से यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। एंड अगर मैं अभी देखूँ तो टीम 8 के काफी पास से यहाँ पे जो है मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपाउंड एक होल्ड करेंगे एंड ऑलमोस्ट सभी टीम्स हैव ऑलरेडी मेड इट टू द जोन। सभी टीम्स आ चुके हैं जोन में। टीम 11 की अगर बात करें तो एसटीजी वर्सेस टीम 13 होने के काफ़ी चांसेस हैं। टीम नंबर 15 की अगर हम बात करें, एलियन की टीम यहाँ पे एक्सीएस की टीम के पास क्लोज इन करते हुए दिख रहे हैं। एक्सीएस का स्क्वाड काफ़ी प्यारे, 2 किल्स अभी अभी इन्होंने यहाँ पे अपने लिए निकाले हैं एंड एलियन के पिकाचू यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं। लेट्स सी पिकाचू के पास अगर चले, टीममेट्स इनके अभी भी थोड़ा सा दूर है, बैकअप मिलने में टाइम लगेगा तो डायरेक्ट पुश थोड़ा सा रिस्की हो सकता है जैसे पिकाचू अभी कर रहे हैं। बट लेट्स सी, आइकॉनिक एंड एरिस इनके बिल्कुल सामने है फ्रॉम टीम नंबर 10। एंड टीम जेड आर की अगर बात करें तो डेक्सी यहाँ जो है नॉक हो चुके हैं। डेक्सी को यहाँ नॉक कर दिया गया है बाय टीम एम एच। टीम एलियन के बाकी प्लस भी, जेड आर के सिनर भी यहाँ पे नॉक होते हुए एम एच की टीम से सिनर को यहाँ पे फिनिश भी कर दिया गया है। एलियन की टीम के प्लस यहाँ पे व्हीकल अपना स्लैम कर रहे हैं, बाकी बाकी ग्रेनेड जाने स्टार्ट हो चुके हैं बट कनेक्ट नहीं हुआ। आइकॉनिक इज डाउन, आइकॉनिक यहाँ पे नॉक होते हुए एरिस एंड सैफ अकेले बचे हैं। सैफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गलती से आई थिंक वाटर में वो चले गए हैं तो ऊपर आने में उनको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दिक्कत हो रहा है। लेट्स सी एरिस की तरफ अगर हम चले, एरिस एंड सैफ ड्रॉप शॉट लेने का ट्राई किया बट यहाँ पे करते हुए टीम नंबर 15 की टीम यहाँ पे अपने लिए 4 किल सिक्योर कर चुके हैं। काफी प्यारे सैफ के पास में अगर हम चले तो सैफ इज देयर विद द नेम 416 अकेले यहाँ पर है। पूरी टीमिंग की यहाँ पे फिनिश हो गई है, 1v3 का फाइटिंग का शायद यहाँ पे हो सकता है। टीम एमएच के पास अगर हम चले तो 3 किल्स इन्होंने यहाँ पे सिक्योर किए हैं जस्ट अभी अभी अपनी टीम के लिए। आईलैंड के एज पर अभी मुझे दिख रहा है इनके पास में टीम नंबर 3 इज ऑल्सो देयर। तो टीम नंबर 13 की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो इनके पास टीम नंबर 8 कतई जहर का स्क्वाड यहाँ पे जो है आते हुए दिख रहा है। तो कतई जहर वर्सेस टीम बगदादी यहाँ पर हो रहा है एंड एक नॉक आते हुए अल्फा यहाँ पे जो है नॉक हुए हैं 4 PM अल्फा, उनको एसटीजी की टीम ने यहाँ पे जो है नॉक किया। काफ़ी स्प्लिट थे अपनी टीम से तो टीम नंबर 13 के लिए ये 3v4 का फाइट यहाँ पे जो है होने वाला है। अभी मैं यहाँ पे इन्होंने एक कंपाउंड अपने लिए होल्ड किया हुआ है, ऑल दो कवर काफ़ी अच्छा है, रोटेशन भी ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा कंपाउंड है तो लेट्स सी कैसे यहाँ पे फाइट जाती है। अगर हम 4 PM क्रिप्टन के पास चले तो ब्रोकन वॉल तो नहीं कह सकते बट हाँ कंपाउंड में यहाँ पे कवर हल्का सा इनके पास रिज का है। 4 PM अल्फा फिनिश ऑफ होते हुए अल्टीमेट की अगर बात करें तो अल्टीमेट के पास आई थिंक यहाँ पे डायरेक्ट पुश आ सकता है TPP यहाँ पे लेते हुए। एंड टीम नंबर 8 की अगर हम देखें तो टीम नंबर 8 का तई जहर की टीम तो यहाँ से आई गेस शायद फॉल बैक कर रहे हैं। जी हाँ, टीम नंबर 8 ने यहाँ से फॉल बैक कर लिया है तो आई थिंक यहाँ पे फाइट तो अभी फिलहाल नहीं लेंगे टीम नंबर 13 के साथ, दैट इज़ आर बगदादी का स्क्वाड। एंड वहीं मोबात्रा की तरफ अगर हम देखें तो टीम नंबर 7 है ZR की टीम। ZR की टीम के प्लस यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ हो गए थे 3 प्लस, टीम नंबर 18 ने उनको यहाँ पे फिनिश किया था, दैट इज़ आवर MH का स्क्वाड। एंड लेट्स सी टीम नंबर 19 के पास में अगर हम चले तो इनके पास में टीम नंबर 10 के 16 प्लेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। TNL की टीम है, TNL की टीम का भी हमने अभी तक देखा है काफ़ी अच्छा गेम प्ले रहा है, मस्त OP विद अ G360। इनके टीममेट्स के पास अगर हम चले तो काला OP विद अ G360 काफ़ी अच्छा भी कंपाउंड एक होल्ड किया हुआ है। बस इनको थोड़ा सा यहाँ पे XCS की टीम से केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज पॉसिबली एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है कि दे वोंट बी एक्सपेक्टिंग कि आसपास कोई प्लेयर है, एकदम से धप्पा वाला सिचुएशन होगा एंड एक नॉक या फिनिश इनकी टीम से आ सकता है। एंड टीम 6 के पास अगर हम चले, लेजेंड्स का स्क्वाड यहाँ पे इनके पास में 2 टीम मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज़ आवर टीम नंबर 6 लेजेंड का स्क्वाड एंड टीम नंबर 13 इज़ वेल लेजेंड के फेकर यहाँ पर है। एंड इनकी टीम में अगर हम देखें वोल्ट इज हर, काफ़ी अच्छा लूट अभी इनके पास में है, लेवल 3 के गियर्स इनके पास में है एंड सुपर लूट है यार अभी तो इनके पास।
एंड वहीं अगर हम देखें तो एक और ड्रॉप टीम नंबर 16 के पास बैक टू बैक ड्रॉप यहाँ पे आ रहे हैं। एंड लेट्स सी इसमें क्या आया है। इसमें आया है MK14 7.62 आर्मर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप स्नाइपर लेवल 3 आर्मर एंड लेवल 3 का बैक पैक। INT की टीम इज ऑल्सो देयर। बैक टू बैक दो ड्रॉप आए हैं टीम नंबर 16 के, बिल्कुल घर में एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही सुपर वंस आई हैं, दैट इज MK14 एंड ग्रोजा। एंड लेट्स सी हमारा नेक्स्ट जोन यहाँ पे किधर की तरफ शिफ्ट होता है। टीम्स ने अभी तो अपना पोजीशन यहाँ होल्ड किया हुआ है, ऐसा कोई फाइट अभी कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है। टीम INT ऑल्दो इस ड्रॉप के लिए जा रही है, पॉसिबली शायद उनको टीम नंबर 16 यहाँ पे स्पॉट करेगी। स्पॉट किया एंड स्पार्क पे यहाँ पे शॉट्स आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेट्स सी मायोस के स्क्वाड के पास अगर चले, स्पार्क यहाँ पे जो है स्पॉट हुए। एंड के जोन में ड्रॉप पे जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है बिकॉज सभी टीम्स की नज़र रहती है ड्रॉप के पास में, तो यही हुआ टीम नंबर 3 के INT स्पार्क यहाँ पे जो है स्पॉट हो चुके हैं। रघुवेंद्र राव, हेलो सर, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं आप। एंड लेट्स सी मायोस की टीम इज द टीम INT के स्पार्क यहाँ पे थोड़ा सा फंस चुके हैं। एंड लेट्स सी स्मोक का कवर बना के MK14 यहाँ पे जो है फाइनली इन्होंने ड्रॉप से ले ही ली है। क्लोज रेंज में तो बहुत ही सुपर गन है, अगर एक या दो बुलेट भी कनेक्ट हुआ तो प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें टीम नंबर 6 जो है टीम 5 के पास में आ चुकी है। टीम नंबर 5 इज द स्पेक्टर यहाँ पे है, उनसे शॉट यहाँ लेने का ट्राई करेंगे, काफ़ी प्यारा एक नॉक स्पेक्टर ने यहाँ पे किया बट खुद यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। बास के पास अगर हम चले तो लेट्स सी बास इज द और नॉक यहाँ पे करने का ट्राई कर रहे हैं। टीम लेजेंड से 1v3 का सिचुएशन इनके लिए यहाँ पर है, फिनिश शायद मुझे लग रहा है हो जाएंगे। जी हाँ, बाज यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ हो गए हैं। लेजेंड की टीम अपने लिए 2 किल्स यहाँ सिक्योर करते हुए टीम नंबर 5 को इन्होंने यहाँ पे फिनिश किया है। INT का स्क्वाड विद टोटल 7 किल्स। लेजेंड की टीम की अगर हम देखें तो वोल्ट यहाँ पे जो है नॉक होते हुए लेजेंड की टीम के पास चलेंगे, वोल्ट यहाँ पे नॉक एंड बैड बॉय भी यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं। जस्ट अभी अभी यहाँ पे टीम नंबर 5 को इन्होंने फिनिश किया बट लॉस्ट की टीम यहाँ पे इनसे थोड़ा थर्ड पार्टी करी है। तो लेजेंड मैक विद इन M416, टीम नंबर 4 इज द लॉस्ट के बेंजीन हमारे यहाँ पे है विद इन M416। एंड 4PM क्रिप्टन की अगर बात करें तो टीम 19 को इन्होंने यहाँ पे स्पॉट कर लिया, काफ़ी ओपन में दिख रहे हैं। TNL बार सॉल्व यहाँ पे INT की टीम से एक नॉक लेते हुए दिखाई दे रहा है बट आई थिंक यहाँ पे 4PM क्रिप्टन पीछे से ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी करेंगे। जल्दी से जाते हैं TNL के स्क्वाड के पास, बार्स यहाँ पे नॉक है एंड एक और नॉक यहाँ पे आते हुए, जैसे कि कहा था टीम 13 यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही है। बगदादी की टीम से बनी ने यहाँ पे एक और नॉक लिया है टीम नंबर 19 से। फ्रैग गॉड यहाँ पे अपने टीममेट्स को रिवाइव देंगे, स्मोक का कवर यहाँ पे बनाने का ट्राई कर रहे हैं। बट अगर टीम नंबर 13 की बात करें तो 4PM क्रिप्टन यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं बट एलियन की टीम से भी यहाँ पे इनको थोड़ा सा केयरफुल जो है रहना पड़ेगा। किल यहाँ सिक्योर होते हुए काफ़ी प्यारा एंड TNL के फ्रैग गॉड पे यहाँ पे स्प्रे जा रहा है क्रिप्टन का। लेट्स सी उनको यहाँ पे डैमेज तो काफ़ी अच्छा मिला है, नॉक कर पाते हैं आई थिंक शायद फ्रैग गॉड नॉक हो जाएंगे। जी हाँ, फ्रैग गॉड हमारे यहाँ पे जो है नॉक होते हुए टीम नंबर 13 के। क्रिप्टन ने काफ़ी अच्छा फ्लाइंग किया है एंड नॉक उनको कर दिया है। कन्फर्म किल ले पाएंगे या नहीं अभी वो देखना पड़ेगा। तो ओपी के पास अगर चले तो TNL फ्रैग गॉड तो यहाँ पे ग्रेनेड से नॉक होते हुए। टीम इंस्टिंक्ट्स के पास अगर हम चले तो टीम इंस्टिंक्ट्स के मास्टर यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं। लेट्स सी वेनम इज देयर, इनके पास में एलियन का स्क्वाड भी यहाँ पे जो है मुझे मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी एलियन वर्सेस टीम इंस्टिंक्ट हमारे यहाँ पे होते हुए। वहीं अगर देखें तो बगदादी की टीम यहाँ पे जो है टीम नंबर 19 से नॉक लेते हुए दिख रहे हैं एंड INT मास्टर इज डाउन रैंपेज यहाँ पे। वेयरहाउस के पास TPP ले रहा है, वेनम यहाँ पे स्मोक का कवर बना के अपने टीममेट्स को बैकअप देने के लिए मूव करते हुए दिखाई दे रहा है बट वेनम भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। वेनम भी यहाँ पे नॉक होते हुए एलियन पे काचू ने उनको यहाँ पे नॉक किया। लेट्स सी टीम नंबर 3 के मास्टर की तरफ अगर चले, डाउन यहाँ पे तीनों प्लस यहाँ पे नॉक है, इनके रैम्पेज अकेले बचे हैं। 1v4 का सिचुएशन है, काफ़ी मुश्किल होने वाला है ये 1v4 यहाँ पे निकालना इनके लिए। लेट्स सी INT की टीम से रैम्पेज एंड पास में अगर हम देखें टीम 13 भी दिखाई दे रही है तो शायद यहाँ पे अगर टीम 13 ने थर्ड पार्टी किया टीम नंबर 15 पे तो रैम्पेज के लिए शायद यहाँ पे एक एडवांटेज आ सकता है। फिनिश यहाँ पे करते हुए आई थिंक चारों किल शायद यहाँ पर पिकाचू ने निकाले बट एलियन का स्क्वाड यहाँ पे 4 किल्स अपने लिए सिक्योर करते हुए बहुत ही सुपर। टीम एलियन की अगर हम बात करें तो उनके पास भी यहाँ पे जो है पुश आ चुका है एंड नॉक यहाँ पे जो है सुभाष होते हुए। सुभाष इज डाउन, पिकाचू को रिवाइव यहाँ देने का ट्राई कर रहे हैं, रिवाइव ईजिली हो जाएंगे। एलियन के ड्रैगन इज देयर, इनके पास में टीम नंबर 19 के मस्तू ओपी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो एक बुश के कवर में है एंड टीम नंबर 6 इज ऑल्सो देयर, दैट इज आर लेजेंड्स का स्क्वाड। लेजेंड के मैक है विद इन M416।
लेजेंड मैक यहाँ पे हैं एंड दो किल्स इस टीम ने सिक्योर किए थे। वोल्ट ऑल्दो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, एलियन की टीम को भी इन्होंने यहाँ पे जो है स्पॉट तो कर लिया है, बट लेट्स सी उनके साथ फाइट लेते हैं यानी बिकॉज जोन अगर हम देखें बार बार सदरन शिफ्ट यहाँ पे जो है जोन लेते हुए दिखाई दे रहा है। टीम 16 की वहीं अगर हम बात करें काफ़ी सेफ पोजिशन पर है, ऐसे उनके पास मुझे कोई दूसरी टीम नहीं दिखाई दे रही है। वहीं टीम नंबर लेजेंड की एंड टीम 13 बगदादी की टीम की बात करें, इनकी शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइट हो सकती है। एंड टीम नंबर 8 भी इनके पास में ही यहाँ पे व्हीकल लेके मूव कर रही है। लेजेंड फेकर अपनी टीम से बहुत ज़्यादा स्प्लिट है, टीम नंबर 8 इनके पास में ही कंपाउंड यहाँ पे होल्ड करते हुए कतई जहर की टीम, तो लेजेंड्स वर्सेस कतई जहर तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। TNL के मस्तो OP अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे हल्का सा उन्होंने रिज यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। लेट्स सी टीम नंबर 8 के पास अगर चले कतई जहर की टीम है। स्ट्रेंजर इज देयर, बनी यहाँ पे जो है स्पॉट होते हुए काफ़ी ओपन से यहाँ पे मूव करने का ट्राई कर रहे हैं। स्ट्रेंजर ने ऑल्दो शॉट लेने का ट्राई किया था बट आई थिंक ही वांट्स टू बी कंफर्म कि शॉट ले तो नॉक यहाँ पे कर पाए। स्ट्रेंजर यहाँ नॉक होते हुए लेजेंड की टीम से, इनको पता नहीं था कि साइड में एक और टीम है, तो लेजेंड बैड बॉय यहाँ पे एक नॉक लेते हुए ग्रेनेड यहाँ पे जो है कोकोना स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी ग्रेनेड ये कनेक्ट होगा या नहीं, अगर कनेक्ट हुआ तो शायद यहाँ पे एक और नॉक आ सकता है बट ये वाला ग्रेनेड तो कनेक्ट यहाँ नहीं हुआ। लेजेंड के फेकर भी यहाँ पे अगर मैं देखो शॉट ले रहे हैं एंड कार्तिके इज ऑल्सो डाउन, लेजेंड मैक ने नॉक किया है बैड बॉय को, यहाँ पे जल्दी से हील अप करना पड़ेगा। मैक काफी ओपन से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, फेकर ऑल्सो इनको यहाँ पे पीछे से बैकअप देते हुए दिखाई दे रहे हैं बट फेकर यहाँ जो है नॉक होते हुए, फेकर इज ऑल्सो डाउन, उनको फिनिश भी यहाँ पे कर दिया गया है। तो 2v4 का फाइट यहाँ पे जो है टीम लेजेंड के लिए होने वाला है। मैक की तरफ से अगर मैं देखूँ ग्रेनेड जा रहा है, कार्तिक यहाँ पे नॉक है, दो प्लस नॉक हुए थे, एक को रिवाइव मिल चुका है, बैक टू बैक ग्रेनेड्स यहाँ जाते हैं बट ग्रेनेड थोड़े से मिस यहाँ पे हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 8 हमारी लॉस्ट की टीम को अगर हम देखें तो इनके काफ़ी पास में है, थर्ड पार्टी कर सकते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें तो मस्तू ओपी अभी भी अपना सेफ पोजीशन यहाँ पे जो है होल्ड किए हुए हैं, फाइट में ऐसे एंगेज नहीं हो रहे, स्पॉट नहीं होना चाहते हैं बट आई थिंक शायद यहाँ पे उनको जो है टीम बगदादी या फिर टीम एलियन स्पॉट कर सकते हैं। टीम लेजेंड की अगर बात करें दो प्लस यहाँ लूज करते हुए तो डायरेक्ट पुश यहाँ टीम नंबर 8 के पास करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। टीम 4 की अगर बात की जाए तो लॉस्ट का स्क्वाड इज ऑल्सो देयर, जोन में ये सारी टीम्स ऑलरेडी अपना पोजीशन जो है ले चुके हैं। एंड लेट्स सी अगर एक बार मैप पे नजर डाले तो टीम नंबर 21 काफ़ी सारी टीम्स अभी भी मुझे जोन के बाहर यहाँ पे दिख रही हैं। संदीप रेड्डी हेलो सर, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गाइस अगर आप लोगों को भी कस्टम्स में पार्ट लेना है तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, वहाँ पे मॉडरेटर्स आपका हेल्प कर देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो रजिस्टर करके आप लोग भी खेल सकते हैं। लेट्स सी मैक के पास अगर चले तो मैक इज द टीम नंबर 8 के काफ़ी पास में यहाँ पे हैं एंड टीम 19 के अगर एक बार मस्तू ओपी के पास चले तो लेट्स सी मस्तू अभी भी यहाँ पे जो है बुश का कवर लिए हुए स्पॉट यहाँ नहीं होना चाह रहे। लॉस्ट की टीम से यहाँ पे बेंजीन जो है नॉक होता है, मिस्टर का स्पॉट इनके पास यहाँ पे जो है आ चुका है। लेट्स सी वही ओपी के पास अगर हम चले तो 4 PM क्रिप्टन में DC की टीम उनके पास जाते हुए DC 17 से यहाँ पे नॉक हुए, बेंजीन को तो यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है बाय टीम नंबर 12 दैट इज मिस्टर का स्क्वाड। टीम 13 के पास STZ की टीम थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रही है, एक लॉन्ग रेंज फाइट वहाँ पे चल रहा है, एक नॉक आ चुका है। लेट्स सी यहाँ पे टीम 4 की तरफ अगर हम देखें तो 2v3 का फाइटिंग के लिए यहाँ पे है। मिस्टर के स्क्वाड के पास अगर चले तो ब्रोकन ओपी विद G36C एंड सामने के लॉस्ट के प्लस हैं, दो प्लस हैं एंड आई थिंक यहाँ पे फ्रैंकलिन थोड़ा सा पीक किए थे बट ब्रोकन ओपी को काफ़ी अच्छा डैमेज यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन ने दिया है अपनी M4 से। टीम STZ के पास अगर चले तो बगदादी की टीम से यहाँ पे एक नॉक इन्होंने लिया था, शैक यहाँ पे होल्ड किया हुआ, शैक होल्ड करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है ग्रेनेड्स, अगर ग्रेनेड आएगा तो यहाँ पे ओपन में इनको मूव करना पड़ेगा एंड फिनिश हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की है एक शैक को होल्ड करना बट अभी इनके पास कोई दूसरा कवर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेट्स सी टीम नंबर 13 की तरफ अगर हम चले तो क्रिप्टन इज देयर, क्रिप्टन यहाँ पे है विद G36C एंड जोन यहाँ पे जो है पूरा का पूरा टीम नंबर 8 के फेवर में बनते हुए, तो यहाँ पे लेट्स सी क्रिप्टन यहाँ पे स्पॉट कर पाते हैं टीम 11 को यानी मिस्टर का स्क्वाड इज ऑल्सो देयर। काफ़ी सारी टीम है, 13 टीम हमारे पास बची है एंड वन ऑफ द फाइनल सर्कल यहाँ पे जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। प्ले जोन से भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे टीम्स फिनिश ऑफ होएंगी, तो लेट्स सी टीम नंबर 8 के पास अगर अभी हम चले तो शॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं टीम नंबर 13 की साइड से, क्रिप्टन यहाँ पे जो है टीम 11 पे शॉट ले रहे थे बट नाइट फ्यूरी यहाँ पे बनी को नॉक करते हुए, बनी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं बाई टीम नंबर 11 एंड आई थिंक
एसटीजी की टीम यहाँ से तो अपनी पोजीशन अपना चेंज करेगी व्हीकल लेके, क्लोज इन यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं टीम 13 के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। रिवाइव ऑल्दो यहाँ पे जो है बनी हो चुकी है, बनी को रिवाइव मिला है, बट फिर से यहाँ पे नॉक करने का साइकिल ट्राई कर रहे हैं, काफी अच्छा बनी ऑन ऑफ हुआ है। क्रिप्टन को वही अगर हम देखें तो एसटीजी के प्लस पे यहाँ पे शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं, बनी को तो यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया है, पीछे से बैकअप काफी अच्छा दे रहे हैं, एरर यहाँ पे नॉक होते हुए क्रिप्टन ने नॉक किया, बट मस्त होती यहाँ पे वहीं अगर देखें तो नॉक एंड फिनिश आई थिंक यहाँ पे उन्होंने जस्ट अभी अभी एक कल सिक्योर किया है टीम 13 को, तो यहाँ पे इजीली टीम 11 ने फिनिश कर दिया है। एनर्जी इस चीज़ साइको के पास अगर चले अल्टीमेटली यहाँ फिनिश ऑफ होते रहे, काफ़ी प्यारा पुश यहाँ पे इन्होंने किया, बट अपना एक प्लेयर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे लूज कर दिया। वहीं अगर हम देखें टीम ने मस्त ओपी ने भी यहाँ पे जस्ट अभी एक कल सिक्योर किया है, टीम 15 की तरफ अगर चले तो इवन का स्क्वाड इज देयर लेजेंड की टीम के साथ यहाँ पे इनकी फाइट हो रही है, एंड प्लस यहाँ पे नॉक होते हैं, काचो इज ऑल्सो डाउन। ड्रैगन के पास अगर चले, ड्रैगन एंड मोफिक्स यहाँ पे के प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए, टीम नंबर 6 ने काफी अच्छा पुश किया था जैसे कि आप देख पा रहे, दो प्लस यहाँ पे नॉक भी होते, बट ड्रैगन ओपी 4 किल्स यहाँ पे टोटल 11 किल्स ये टीम निकाल चुके। एलियन का स्क्वाड बहुत बार देखा है कि काफी अच्छी फाइट यहाँ पे लेते हैं, बहुत प्यारे किल निकालते हैं। टीएनएल मस्तो ओपी के पास में अगर हम देखें टीम नंबर 4 के प्लस यहाँ पे लॉस्ट की टीम मुझे दिखाई दे रही है, लॉस्ट के प्लस देयर इनके पास में टीम 11 इज देयर, टीम 11 से यहाँ पे इनको थोड़ा सा केयरफुल जो है वो रहना पड़ेगा। वहीं अगर हम देखें तो शिकारी की टीम के प्लेयर्स भी जो है नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 8 इज देयर, टीम नंबर 15 अभी भी कंपाउंड के कवर में, टीम 7 की तरफ अगर हम चले सोलो प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, मिस्टर का स्क्वाड इनके पास यहाँ पे मुझे मूव करते हुए दिख रहा है। लेट्स सी मिस्टर ब्रोकन ओपी के पास अगर चले टीम 16, तो यहाँ पे जो है टीम नंबर 18 से दैट इज आर एमएच के स्क्वाड से यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए 5 गर्ल्स इस टीम ने सिक्योर किए हैं। लेट्स सी स्केच बीटीसी की तरफ अगर हम चले तो टीम 11 वर्सेस टीम नंबर 4 होने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे, टीम नंबर 18 तो जोन एज पे यहाँ पे है, टीम 11 से यहाँ पे फिनिश करेंगे इस वही ओपी को, आइडिया से इनके लगते सिक्योर करेंगे। जी हाँ, ऑल्दो इनके एक और टीममेट यहाँ पे जो है फिनिश हो गए नाइट फ्यूरी, एंड लॉस्ट की टीम फिनिश ऑफ होते हुए टीएनएल मस्त ओपी एक और खेल यहाँ पे अपने लिए निकालते हुए बहुत ही बढ़िया। टीम 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीछे से टीम 8 सिंह को केयरफुल रहना पड़ेगा, टीम एलियन के पास अगर चले बैक टू बैक किल्स निकाल रहे हैं, एक और नॉक यहाँ पे आते हुए स्ट्रेंजर को भी यहाँ पे जो है कतई जहर की टीम से इन्होंने नॉक किया है, काफ़ी अच्छा पोजीशन है एंड ऊपर से जोन भी इनको फेवर कर रहा है। बार बार टीम 15 के पास में यहाँ पे अगर हम देखें तो जोन जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जोन प्रोटेक्शन ओपी कह सकते हैं। टीम 18 की तरफ अगर हम देखें तो एमएच के स्क्वाड को यहाँ पे अभी फिलहाल मूव करना है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बस तो वो भी बहुत ही परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे जो है शॉट ले रहे हैं एंड अपने लिए दो किल्स निकाल पा रहे हैं। उनके पास में अगर हम देखें तो टीम एसटीजी के साइको मुझे दिख रहे हैं, एंड साइक को यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ करते हुए मस्तु ओपी को स्पॉट किया, ग्रेनेड से यहाँ पे किल निकाला है, लेट्स सी। टीम नंबर 10 के पास अगर चले तो एक्सआर भी सेफ यहाँ पे विद इन M416। टीम नंबर 18 की तरफ अगर हम चले तो एमएच मनीष हमारे यहाँ पे हैं, एंड एक उनके प्लेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट जोन में एंटर हो चुके हैं, पीछे से बैकअप यहाँ पे देने का ट्राई कर रहे हैं, राघव इज ऑलरेडी मेड इट टू द जोन। राघव यहाँ पे टीम नंबर 10 के सेफ के काफी पास में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सी राघव को यहाँ पे शायद एक सरप्राइज हो सकता है, बिकॉज सेफ का पोजिशन ही वोंट बी एक्सपेक्टिंग के सामने कोई प्लेयर होगा, एंड पीछे से इनको यहाँ पे फिनिश किया सेफ को, यहाँ पे टीम नंबर 7 के प्लेयर ने फिनिश किया है, काफी ओपी काफी अच्छी पोजिशन पे थे, दैट वॉज ईजी। टीम नंबर 7 की वहीं अगर हम बात करें टीम नंबर 15 के पास अगर वापस से देखें तो कतई जहर की टीम से यहाँ पे नॉक करने का मफिक्स ट्राई कर रहे हैं, दे आर एंगेज इन अ फाइट विद टीम नंबर 8 एंड सुभाष यहाँ पे डायरेक्ट पुश करते हुए, एंड एक नॉक यहाँ पे जो है आ चुका है एक और प्लेयर यहाँ टीम नंबर 15 से मफिक्स नॉक होते हुए, कार्तिके को पिकाचू यहाँ पे जो है नॉक किया, एंड सुभाष को ऑल्सो डाउन। टीम नंबर 8 काफी प्यारी फाइट ले रही है, पिकाचू को अगर हम देखें डायरेक्ट पुश कर रहे हैं खुद यहाँ पे नॉक होते हुए, एलियन की टीम से लास्ट प्लेयर यहाँ पे जो है ड्रैगन बचे हैं, एंड लेट्स सी टीम नंबर 8 के पास क्या यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे या फिर अपना पोजीशन होल्ड करेंगे। आई थिंक पहले अपने टीममेट को ये रिवाइव शायद से देने का ट्राई करेंगे, बट आई थिंक टीम नंबर 8 मुझे ऐसा लग रहा है कतई जहर के। अकुमो यहाँ पे क्लोज नॉक है अपने, इनके टीममेट वांटेड शायद यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं, एंड ड्रैगन यहाँ पे नॉक करने का ट्राई किया, एक नॉक लिया, बट ड्रैगन यहाँ पे स्ट्रेंजर से फिनिश ऑफ होते हुए टीम नंबर 8 दो प्लस अपने लूज किए, बट टीम नंबर 15 एलियन के स्क्वाड को फिनिश करके टोटल 5 किल्स यहाँ अपने लिए सिक्योर किए हैं। टीम 18 की भी अगर हम बात करें तो जोन में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सेंटर में यहाँ पे हैं, चारों प्लस अलाइव हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। टीम 12 की अगर बात करें तो मिस्टर का स्क्वाड इज हियर विद 2 किल्स, एक प्लेयर इनके फिनिश हो गए, तो 3 मैन स्क्वाड यहाँ पे खेल रहे हैं।
स्केच बीटीसी को अगर हम देखें तो उनसे यहाँ पे चैंप नॉक होते हुए टीम एमएच की टीम से, एमएच की टीम के पास अच्छा चांस है यहाँ पे किसी निकालने का, बिकॉज जोन भी अगर हम देखें इनके फेवर में यहाँ पे बन चुका है। एसटीजी साइको स्पॉट हुए डायरेक्ट फिनिश यहाँ पे होते हुए एंड टीम नंबर 18 विद टोटल 6 किल्स, 6 किल्स यहाँ पे इनके आते हुए। मनीष की तरफ अगर हम चले तो मनीष इज देयर स्ट्रेंजर पे आई गेस यहाँ पे शॉट लेने का ट्राई कर सकते हैं। कतई जहर की टीम के दो प्लस यहाँ पे हैं, दो प्लस इनके फिनिश ऑफ हो गए थे। टीम 18 को थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टर्स के स्क्वाड से केयरफुल रहना पड़ेगा, बट आई थिंक उनके पास एक अच्छा खासा यहाँ पे रिज का कवर है, तो चैंप फाइट ही ऑल दो यहाँ पे पीछे से ऐसा लग रहा है मुझे। असॉल्टर भी पीछे से फ्लैंक यहाँ पे करके आने का ट्राई कर रहे हैं। स्लॉट कैसे मिलेगा सर? डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कॉर्ड पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वो चैट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। एलएनसी एमएच की टीम काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, बस थोड़ा इनको ग्रेनेड्स एंड मॉली से केयरफुल रहना पड़ेगा। मनीष के पास अगर हम देखें एक बहुत ही परफेक्ट मॉली एक आया था, थोड़ा सा यहाँ पे जो है कनेक्ट नहीं हो पाए। चैंप फाइटी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्लोज इन करेंगे और टीम नंबर 18 मिस्टर का स्पॉट यहाँ पे पुश कर रहा है। दूसरी साइड से टीम नंबर 8 काफ़ी प्यारा, टीम नंबर 8 कतई जहर को यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए। स्केच बी टी सी एंड मनीष एंड ब्रोकन ओपी यहाँ पे दो नॉक जो है ले चुके हैं। मनीष इज ऑल्सो डाउन, टीम मिस्टर बहुत ही सुपर पुश यहाँ पे कर रहे हैं, तीन प्लस नॉक हो चुके हैं। स्केच बी टी सी भी बहुत लो एच पी पे, टीम नंबर 12 का पुश बहुत सुपर आया यहाँ पे अगर हम देखें तो। मिस्टर चैंप वाइट इजर हील अप यहाँ पे खुद को करेंगे, चैंप ने बहुत प्यारा पुश किया, दो नॉक यहाँ पे इन्होंने लिए। एंड लेट्स सी स्केच बी टी सी के पास अगर चले तो एक मॉली इधर आया है, कनेक्ट नहीं हो पाया, बट 1v3 है। लेट्स सी कैसे यहाँ पे 1v3 निकालेंगे। एक नॉक यहाँ पे करते हुए जल्दी से इनको हील करना पड़ेगा, किल अपना यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं बट हील यहाँ पे शायद नहीं कर पाएंगे। एंड गन भी इनका अगर मैं देखूँ तो शायद यहाँ पे रीलोड पे लग चुका है, प्ले जोन से फिनिश हो सकते हैं, जोन डैमेज भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। 10 HP से भी कम HP पे हैं, सो 1v2 का सिचुएशन फॉर हिम। डैमेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है ऑल द टीम नंबर 12 के प्लेयर को, बट फिनिश यहाँ पर होते हुए। एंड इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे चिकन डिनर निकाला है टीम मिस्टर्स ने, बहुत प्यारा पुश किया था टीम नंबर 18 टीम 8 के साथ फाइट में इंगेज थी, तो पता ही जहर की टीम के साथ बहुत प्यारे तीन नॉक यहाँ पे लिए। टोटल अगर किल्स भी देखें तो 6 किल्स यहाँ पे हैं। चैंप फाइट वॉज ओपी। सेकेंड पोजिशन पर अगर हम देखें तो एमएच का स्क्वाड इज देयर विद टोटल 8 and 1 9 किल्स के साथ। जी थर्ड पोजीशन पर है टीम कतई जहर विद 3 4 and 1 5 किल्स। फोर्थ पोजीशन पर है एसटीजी विद 5 and 1 6 किल्स के साथ। फिफ्थ पोजीशन पर है एलियन का स्क्वाड, एलियन वाज प्लेइंग नेक्स्ट लेवल, काफ़ी अच्छे किल्स इन्होंने निकाले हैं, 5 4 9 1 10 and 3 13 किल्स। जी सिक्स पोजीशन पर है हमारा जीरो रिमोस का स्क्वाड विद 0 किल्स, नॉट 0 किल्स, 3 किल्स आई एम सॉरी। सेवन्थ पोजीशन पर है एक्सीएस का स्क्वाड विद 2 किल्स। एट पोजीशन पर है टीएनएल का स्क्वाड विद 2 किल्स। मस्तू अपी ने काफ़ी अच्छे किल निकाले, मतलब सिंगल प्लेयर उनको जहाँ भी दिखा उन्होंने फटाक से उनको नॉक फिनिश दिया। नाइन्थ पोजीशन पर है लॉस्ट का स्क्वाड विद टोटल 4 किल्स। टेंथ पोजीशन पर है मायोस्ट का स्क्वाड विद 0 किल्स। इलेवेंथ पर है डीसी की टीम विद 0 किल्स। ट्वेल्थ पर है लेजेंड्स का स्क्वाड विद 2 किल्स। थर्टींथ पर है टीम बगदादी विद 4 and 1 5 किल्स के साथ। 14th पर है INT की टीम विद 3 2 5 6 and 1 7 किल्स। जी 15th पोजीशन पर है टीम TSE विद 0 किल्स। 16th पर है DX के राहिल OP विद 0 किल्स। 17th पर है DX की टीम विद 0 किल्स। 18th पर है हमारे एच वोल्टेज विद 1 किल। एंड दीज आर द रिजल्ट्स। एंड गाइस स्ट्रीम अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चिराग टीम मिस्टर्स ओपी, जी हाँ टीम मिस्टर्स ने काफ़ी अच्छा चिकन डिनर निकाला। संतोष कुमार TFX ओपी सर, सारी टीम्स ओपी हैं, एवरी टीम इज ओपी। अगर स्ट्रीम अच्छा लगा तो एक बार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, 300 लाइक्स करा दीजिए जल्दी से। आईडी पास हमारा यहाँ पे आ गया है तो एक मिनट दीजिएगा, रूम ज्वाइन करके आते हैं।
open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Thank you.
13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आज का हमारा सेकंड मैच ऑफ टियर थ्री ग्रुप बी शरफ में होने वाला है ये मैच एंड लेट्स सी कौन सी टीम्स हमारे साथ खेल रही है। स्लॉट नंबर थ्री में वी हैव गॉट टीम आइकन्स, टीम नंबर फाइव है आईएनएस की टीम, टीम नंबर एट हमारी है टीम कोबरा, टीम नंबर नाइन इज आवर जीनो का स्क्वाड, टीम नंबर इलेवन हमारा यहाँ पे है विजन स्लेयर्स, टीम नंबर फोर्टीन इज आवर XES की टीम, टीम नंबर 15 हमारे यहाँ पे है HLX Esports की टीम, टीम नंबर 16 इज Momentum Esports, टीम नंबर 18 है Sionx की टीम, टीम नंबर 20 इज आवर Sion Retribution, टीम नंबर 21 इज Imposters की टीम, टीम 22 है DAC की टीम। तो गुड लक टू ऑल द टीम्स एंड गाइस, अगर आप लोगों को भी पार्ट लेना है इन कस्टम्स में तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन द Discord सर्वर, Discord का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। INT Thought Gaming, how to play T3? सर Discord ज्वाइन करना पड़ेगा, Discord का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट Discord ज्वाइन करो, उसके बाद आप भी खेल सकते हो। अरुण खान, मेरा स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है, बस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑन है तो Discord ज्वाइन कर लीजिए। एंड लेट्स सी द प्लेन पाथ, सेंट्रलाइज्ड प्लेन पाथ है हाथन से होते हुए टूवर्ड्स कंपाउंड। आगे प्लेयर्स ने यहाँ पे जंप करना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले एज यूजुअल आई विल गो टू बूट कैंप, बूट कैंप में तीन स्क्वाड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, FBI के यूज इज देयर, टीम नंबर 5 से अगर मैं देखूँ तो प्लेयर्स को डैमेज यहाँ पे मिलते हुए, डार्क तो फिनिश भी हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, लेरिस इज देयर, लेरिस के पास अगर हम देखें तो टीम 21 यहाँ पे फिनिश करते हुए मुझे दिखती है टीम नंबर 5 के प्लेयर्स को, अकेले प्लेयर यहाँ पे दो प्लेयर्स जो हैं बचे हैं एंड प्लीज गॉड में फिर से ग्लिच नहीं। INS Pulkit के पास अगर हम चलते, Pulkit इज देयर, टीम 21 से यहाँ पे दो प्लस को नॉक कर चुके हैं एंड फिनिश भी यहाँ पे करते हुए टीम नंबर 5 INS का स्क्वाड यहाँ पे टीम नंबर 21 को फिनिश ऑफ करते हुए एंड अपने लिए चार किल सिक्योर किए, बट दो प्लस भी यहाँ पे जो है इनके फिनिश ऑफ हो चुके हैं। वहीं अगर हम रुइंस की तरफ चलते तो टीम नंबर 15 यहाँ पे है S12 के से दिवांश यहाँ पे फिनिश करते हुए एंड किल अपने लिए सिक्योर कर रहे हैं, दो किल सिक्योर कर चुके हैं फ्रॉम टीम कोबरा। कोबरा के सुल्तान की तरफ अगर मूव करें तो थॉमसन इनके पास में है, थैनोस इज हियर विद एन AKM, टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 15 हमारे यहाँ पे है एनएचसी कोबरा थेनोस विद एन AKM एंड टीम नंबर 15 पे यहाँ पे जो है चारों प्लस तीनों प्लस यहाँ पे टूटने का सिचुएशन है, ना कि यहाँ पे थेनोस को करने का ट्राई किया बट गनिंग का यहाँ रीलोड पे लगते हुए S12 के है तो थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो लेट्स सी सितान को, वहीं अगर हम देखें एक प्लेयर तो ऑलरेडी टीम नंबर 14 से काफ़ी लो एच पी पे दिवानशु थे, ना कि यहाँ पे जो है हो चुके हैं सितान की थॉमसन से, तो इट्स अ 2v2 अगेन, 2v2 की फाइट हमारी यहाँ पे हो चुकी है। तो लेट्स सी थेनोस की तरफ अगर चले, थेनोस यहाँ पीछे से बैकअप पूरा देने का ट्राई कर रहे हैं, वहीं टीम Sionx जो है VISN की टीम से नॉक लेते हुए, लेट्स सी वेयर इज टीम VISN, टीम नंबर 16 हमारे यहाँ पे जो है पैराडाइज में, अगर हम देखें टीम 20 वर्सेस टीम 11 यहाँ पे चल रहे हैं, Sionx Sion फिनिश ऑफ हुए थे एंड यहाँ ग्रेनेड से अपने ही टीममेट के ग्रेनेड से यहाँ पे जो है नॉक होते हुए बट टीम 11 को यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ कर दिया गया है एंड अपने लिए चार किल सिक्योर करते हुए टीम नंबर 20 Sion Retribution का स्क्वाड एंड लेट्स गेट बैक टू रुइंस, रुइंस में वापस चलते हैं एंड HL के दिवांश OP यहाँ पे विद AKM एंड टीम नंबर 8 के पास अगर चले तो कोबरा सितान विद थॉमसन, इनके टीममेट के पास अगर चले तो कोबरा थेनोस यहाँ पे है विद एन उजी, तो टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 15 हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अभी फिलहाल फाइट ले रहे हैं।
2v3 का फाइटर दिवांशु ऑल्दो यहाँ नॉक हुए थे बट रिवाइव उनको मिल चुका है। दोनों टीम्स ने रुइंस में यहाँ पे ड्रॉप इन किया था। टीम नंबर 15 के पास अगर हम देखें तो S12 के है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे जो है पुश करना पड़ेगा टीम नंबर 8 को। TPP अभी फिलहाल यहाँ पे ले रहे हैं पोजिशन अपना होल्ड किए हुए टीम नंबर 8 के सितान एंड उनके साथ थानोस इज देयर। पुश यहाँ पे किसी भी सेकंड मुझे लग रहा है टीम नंबर 15 का आ सकता है। दैट इज अवर HLX eSports की टीम। सितान को अगर हम देखें स्मोक करके यहाँ पे विजन ब्लॉक करने का ट्राई तो कर रहे हैं, FPP में स्विच भी यहाँ पे कर चुके हैं। थानोस इज देयर विद एन उजी क्लोज रेंज सुपर्ब है, तो फुल प्रिपेयर्ड है यहाँ पे कि अगर पुश आएगा तो नॉक करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी सितान के पास भी अगर हम चले तो डायरेक्टली पुश तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। टीम नंबर 15 की भी अगर हम बात करें तो एल्फा वॉरलॉर्ड है। अगर आर्मर की बात करें तो यहाँ पे हेलमेटिंग के पास में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ब्लेज ओपी विद थॉमसन एंड इनके टीममेट की अगर बात करें तो दिवांश ओपी हमारे यहाँ पे है। कोबरा स्थान पे यहाँ पे शायद इनको एक एंगल मिल पाते हैं यहाँ से शॉट लेने का। देवज्योति सरकार हमारा स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद आप लोग भी खेल सकते हैं। दिवांशु यहाँ पे है, ब्लेज इज हियर विद थॉमसन, वॉरलॉर्ड के पास अगर चले तो AKM इनके पास में है, थानोस विद एन उजी, सितान हमारे यहाँ पे है विद एन EKM, टीम 8 एंड टीम नंबर 15 काफ़ी प्यारी फाइट ले रहा है पैराडाइज रिजॉर्ट में। दोनों ने ड्रॉप इन किया था, दोनों टीम्स की तरफ से कैजुअलिटी यहाँ पे हो चुकी है। कोबरा की टीम 2+ अपने लूज किए। लेट्स सी मैप पे दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो टीम नंबर 14 की अगर हम बात करें तो XRP का स्क्वाड हमारा हाथिन में है। टीम नंबर 20 सियोन रेट्रीब्यूशन जस्ट अभी उन्होंने VISN की टीम दैट इज विजन स्लेयर्स की टीम को फिनिश करके 4 किल सिक्योर किए हैं। टीम नंबर 3 की अगर हम बात करें आइकन्स का स्क्वाड जो है वो मुझे बिल्कुल सदरन पार्ट में यहाँ पे डॉक्स के पास में लूट कर रहे हैं कैंप चार्ली में। वी हैव गॉट टीम नंबर 9 दैट इज अवर जीनो का स्क्वाड एंड टीम नंबर 22 पाइनान में अभी फिलहाल है। चलिए लेट्स सी ड्रॉप अगर हम देखें तो पाइनान में यहाँ पे जो है एक फ्लेयर ड्रॉप आया है। फ्लेयर ड्रॉप ने यहाँ पे स्कैम कर दिया भाई टीम 22 के साथ। रूफ टॉप पर यहाँ पे जो है हमारा फ्लेयर ड्रॉप है एंड इसमें आया है MK14 7.62 एमओ, AUG 5.56 एमओ, कोबरा यहाँ पे जो है एक नॉक लेता हुआ। लेट्स सी टीम 8 के पास अगर वापस से चले, टीम कोबरा ने यहाँ पे एक नॉक लिया था, शायद एक और नॉक यहाँ पे लेंगे एंड ईजीली यहाँ पे टीम नंबर 15 को फिनिश करके 4 किल्स अपने लिए सिक्योर करते हुए टीम कोबरा 2v3 यहाँ पे इन्होंने किया है विद टीम HLX eSports एंड टीम 22 के साथ। थोड़ा सा छोटा सा स्कैम होते हुए लूट तो काफ़ी अच्छा आया है बट रूफ टॉप पे है तो थोड़ा दिक्कत होगा। नॉर्मल ड्रॉप अगर हम देखें इसमें आया है ग्रोजा 7.62 एमओ, 8x स्कोप, लेवल 3 आर्मर एंड एक मेड किट। जोन तो यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होते हुए मुझे लग रहा है, तो लेट्स सी अभी ऑलमोस्ट सभी टीम जोन में है एक्सेप्ट फॉर टीम नंबर 20 एंड टीम नंबर 3। तीन टीम के अलावा बाकी सभी टीम्स हमारा जोन रोटेशन ले चुके हैं। लेट्स सी टीम नंबर 18 के पास में अगर हम चले, दैट इज़ आर सियोन की टीम, इनके पास में मुझे टीम 16 दिख रही है, दैट इज़ आर मोमेंटम ईस्पोर्ट्स। मोमेंटम ईस्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, अगर पिछला पूरा वीक देखें तो अच्छे मैचेस गए थे उनके, कल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड टीम नंबर 18 सियोन की टीम अभी ब्रिज के पास में है एंड टीम नंबर 16 इनके बहुत ही पास में है। शिंगचैन ने तो इनफैक्ट एक दिन 1v3 भी आई गेस शायद किया था। शिंगचैन इज हैव विद एन AKM एंड इनके टीममेट के पास अगर चले तो कैरस ओपन यहाँ पे काफ़ी ओपन में शायद AFK हो गए हैं। यहाँ पे फेनरर ब्रोकन वॉल पे TPP लेते हुए आई थिंक इनको आइडिया लग गया है, एक हिंट लग गया है कि आसपास एक स्क्वाड है। लेट्स सी MTM के RGB की तरफ अगर हम चले तो RGB विद AKM। सियोन विजर्ड की तरफ अगर चले, सियोन विजर्ड विद AKM, सियोन द लॉबी अगर हम देखें यहाँ पे TPP लेते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 16 के पास, दैट इज आर मोमेंटम ईस्पोर्ट्स की टीम।
एंड जोन अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे जोन ने सदरन शिफ्ट लिया है टीम नंबर 20 सियोन रेट्रीब्यूशन की तरफ। अगर हम चले तो वाटर के थ्रू ये टीम जो है एंटर होने का ट्राई कर रही है, केव के पास यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आइकन्स का स्क्वाड है, तो शायद एक पॉसिबली आइकन्स के स्क्वाड के साथ इनकी फाइट हो सकती है बिकॉज साउंड यहाँ पे ब्लास्टिको आ चुका है एंड इनके टीममेट को शायद ये बैकअप यहाँ देने का ट्राई कर रहे हैं। एक टीममेट इनके अभी भी यहाँ पे वी के भी बीटीसी को अगर हम देखें तो M416 इनके पास में है एंड जेरोक्स को जोन डैमेज यहाँ पे जो है मिल रहा है। एफ के शायद यहाँ पे है नहीं, प्रॉन यहाँ पे साउंड नहीं देना चाहते बिकॉज पास में टीम नंबर 20 इज देयर। मोमेंटम ई स्पोर्ट्स के पास अगर चले तो लेट्स सी मोमेंटम ई स्पोर्ट्स के यहाँ पे एक प्लेयर नॉक होते हुए एंड फिनिश में यहाँ पे जो है उनको कर दिया है टीम नंबर 18 सियोन विजर्ड ने विद हिज M4 एक किल यहाँ पर आते हुए। लेट्स सी शिंगचैन के पास अगर चले, शिंगचैन अभी भी यहाँ पे टीपी भी ले रहे, थोड़ा सा स्लो फाइट चल रहा है एंड सियोन गोकू वहीं अगर हम देखें टीम नंबर 20 से जो है नॉक होते हुए बाय टीम नंबर 3 टीम 20 एंड टीम नंबर 3 आइकन्स का स्क्वाड। लेट्स सी टीम नंबर 3 के पास अगर, तो आइकन्स के बीच के बीटीसी यहाँ पे है स्प्रे जाते हुए टीम नंबर 20 के पास। सोन गोकू यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं। चार्ली इज देयर, चार्ली की तरफ अगर हम मूव करें तो लेट्स सी चार्ली को यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैमेज मिला था। मैंड्रिन की अगर हम बात करें तो जल्दी से इनको हील अप यहाँ करना पड़ेगा, रिवाइव सोन गोकू को देना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है। मैंड्रिन विद एन M762 चार्ली की तरफ अगर हम देखें तो चार्ली विद अ QBZ टीम नंबर 3 के प्लस आइकन्स का स्क्वाड यहाँ पे है, गेट कीपिंग करेगा, जोन में एंटर नहीं होने देगा इतना ईजी। फिनिश यहाँ पे शायद से सोनगो को हो सकता है। पीछे से अगर हम देखें तो यहाँ पे आइकन्स की टीम के एक और प्लेयर दिखाई दे रहे हैं जोन डैमेज उनको भी यहाँ पे मिलते हुए। तो सियोन चार्ली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फंस चुके हैं, ज़्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है मूव करने का, जोन डैमेज काफ़ी ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी चार्ली की तरफ अगर मिलता है, नॉक यहाँ करने का ट्राई कर रहे हैं बट चार्ली भी यहाँ पे नॉक होते हुए। मैंड्रिन अकेले बचे हैं, फॉल बैक यहाँ पे कर लिया है, बाइक इनको यहाँ मिल गया एंड फॉल बैक करते हुए रिवाइव तो ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे टीम नंबर 16 की तरफ। वहीं अगर हम चले तो आइकन्स की टीम ने तो उनके ओके लेट्स सी टीम नंबर 16 की तरफ अगर देखें तो एम टीम के आरजीबी विद अ क्यूबीजी एक टीममेट फिनिश हो गए थे एंड सियोन की टीम इनके पास में है विजर्ड विद एन M416 इनकी टीममेट सियोन द लॉ की तरफ अगर चले तो इनके पास भी मुझे यहाँ पे M4 दिख रहा है। कंपाउंड का कवर दोनों ही टीम्स के पास में है एंड इनफैक्ट बूट कैंप्स की तरफ से यहाँ पे जो है टीम नंबर 5 INS का स्क्वाड शायद यहाँ पे मूव कर सकता है, तो पॉसिबली टीम 5 वर्सेस टीम नंबर 18 हो सकता है। कोबरा की टीम अभी भी हमारे रुइंस में है एंड पाइनन यहाँ पे डैक की टीम ने होल्ड किया हुआ है। सियोन द लॉ को अगर हम देखें INS का स्क्वाड में यहाँ पे एंटर करने का ट्राई कर रहा है, शायद INS की टीम अगर यहाँ पे स्पॉट हुई तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा टीम इनके लिए। टीम 18 एंड टीम 16 दोनों ही यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे दिख रही है। नखान में XRB का स्क्वाड है अपना पोजीशन होल्ड किए हुए टीम नंबर 3। आइकन्स के स्क्वाड को भी अगर देखें तो जोन एज पे है, जब तक हमारा नेक्स्ट जोन यहाँ शिफ्ट नहीं होगा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कोई फाइट होगा। INS के लेरस इज हियर विद M4 इनके पास में है। पुलकित के पास अगर हम चले तो पुलकित इज हियर एंड जोन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्दर्न शिफ्ट जो है लेते हुए टीम 18 के पास अगर हम चले, अभी भी इनके पास टीम 16 है जोन के पास में है, इजीली रोटेशन यहाँ पे ले जाएंगे। टीम नंबर 16 पॉसिबली शायद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड टीम नंबर 5 एज वेल, थोड़ा सा केयरफुल इनको। आज शेनॉक में मुझे व्हीकल का यूज़ देखने को मिल गया, बहुत ही रेयरली जो होता है शेनॉक में टीम्स व्हीकल कैरी करते हैं, बहुत ही रेयरली, तो 1 in 10 मैच ऐसा होता है कि कोई प्लेयर व्हीकल कैरी करता है बट आज यहाँ पे व्हीकल्स का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेट्स सी सियोन द लॉ काफ़ी ओपन में यहाँ पे स्नीकिंग कर रहे हैं प्लस इनके मोमेंटम की टीम के पास अगर चले तो शिंगचैन इज देयर काफ़ी ओपन से यहाँ पे जोन की तरफ मूव कर रहे हैं, जोन एज पे अपना पोजीशन यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं। सामने काफ़ी अच्छा कंपाउंड का कवर भी इनके पास में है एंड इसी के साथ अगर देखें तो एक एयर ड्रॉप यहाँ आते हुए, लेट्स सी ड्रॉप में क्या आया है, इसमें आया है ग्रोजा 7.62 का एमओ, 8x स्कोप, लेवल 3 आर्मर, पेन किलर एंड एक गिली सूट।
लेट्स सी, टीम नंबर 5 अभी भी हमारी पाइनान में है। टीम नंबर 3 आइकन्स की टीम की अगर हम बात करें तो स्प्रे यहाँ पे अपनी टीम से बहुत ज़्यादा स्प्लिट है। सेंटर ऑफ द जोन इन्होंने यहाँ पे होल्ड कर लिया है, दो दो के प्लस में स्प्लिट है। स्प्रे के साथ अगर हम देखें तो इनके टीम में ब्लास्टी इज ऑल्सो देयर, बाकी के दो प्लस इनके अभी भी ब्लू जोन का डैमेज मिल रहा है, काफ़ी दूर हैं, तो दिक्कत हो सकता है अगर कोई टीम उनके पास पुश करती है। टीम नंबर 8 अभी भी रोइंस में है। टीम 5 की तरफ से काफ़ी लेट रोटेशन यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अवर INS का स्क्वाड। कोबरा की टीम अभी भी हमारे रोइंस पे है। एक सी एस की टीम के पास अगर चले XRB की टीम तो श्राइन यहाँ पे विद M4 एंड गेस भी अगर हम देखें लेवल 3 का वेस्टिंग के पास में काफ़ी अच्छा लूट है। AWM यहाँ पे सेफ के पास है। शेनॉक में बहुत रेयरली स्नाइपिंग जो है देखने को मिलती है मोस्टली, प्लस जो है दे प्रेफर अ स्प्रे गन बिकॉज छोटा मैप है, इतना लॉन्ग रेंज शॉट्स यहाँ पे नहीं लेने होते हैं। बट यहाँ पे सेफ को अगर हम देखें ही इज़ यूजिंग एन AWM एंड अ 6x स्कोप। टीजर के पास अगर हम चले तो लेट्स सी, टीजर इज अ विद एन M416। सियोन के पास अगर हम चले तो सियोन मैंड्रिन अपनी टीम से अकेले यहाँ पर बचे हैं, थोड़ा सा सेफ गेम प्ले रखेंगे। एज पे यहाँ पे अभी फिलहाल हैं, जोन एज पे अपना कंपाउंड एक होल्ड किए हुए हैं। टीम नंबर 5 फाइनल की तरफ से यहाँ पे जो है ब्रुज से ईजिली एंटर हो गए हैं जोन में आने के पास। टीम 16 मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आ सकती है। टीम नंबर 9 जीनो के स्क्वाड को अगर हम देखें तो जोन डैमेज इस टीम को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ही लेट रोटेशन यहाँ पे इस टीम की साइड से आ रही है। स्टार सेट इज़ है, स्टार सेट हमारे यहाँ पे हैं एंड इनके टीममेट्स की अगर हम देखें शान साइफर एंड श्राउड आर देयर, जोन का काफ़ी अच्छा डैमेज यहाँ पे मिलते हुए। एंड लेट्स सी टीम 16 के पास अगर हम चले तो INS पुलकित यहाँ पे जो है नॉक होते हुए, लेरेस अकेले यहाँ पे बचे हैं, पुलकित को तो फिनिश भी यहाँ पे कर दिया गया है। एक थोड़ा सा सरप्राइज वाला सिचुएशन हुआ था, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सामने टीम होगा। टीम 16 ने स्पॉट किया, डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश कर दिया। लेरेस को यहाँ पे जो है डैमेज मिलते हुए काफ़ी अच्छा डैमेज यहाँ पे मिला। इनफैक्ट थोड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा है दिक्कत हो जाएगा इनको इस सिचुएशन से निकलने में बिकॉज टीम 16 के तीनों प्लेयर्स हैं। दूर से टीम नंबर 18 भी यहाँ पे जो है इन पर शॉट्स ले रही है, दैट इज सियोन का टीम एंड शिनचैन फिनिश यहाँ पे करते हुए। एंड इसी के साथ जो है टीम ने अपने लिए 2 किल्स और सिक्योर किया और INS का स्क्वाड यहाँ पर एग्जिट लेते हुए। अरे ठीक, कोबरा की तरफ अगर चले तो कोबरा सितान विद M4। थेनोस के पास अगर चले तो थेनोस भी अभी भी रुइंस यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। जोन हमारा पूरा का पूरा तंपोंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड वहाँ पे हमारा टीम 14 है, दैट इज सेफ विद द ग्रोजा एंड AWM एंड गिली सूट। भाई शेनॉक में गिली सूट मिला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज इनके पास में। शनॉक में बिना गिली सूट के प्लेयर अगर प्रॉन होता है तो स्पॉट नहीं हो पाता है। सैफ यहाँ पे AWM से शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं बट कनेक्ट तो नहीं हो पाए हैं। टेजर इज ऑल्सो देयर। टीम आइकन्स के 2 प्लेयर यहाँ पे स्पॉट हुए एंड स्प्रे थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस होता है। लेट्स सी आइकन के ब्लास्टी की तरफ अगर हम चले तो ब्लास्टी इज हियर विद M4। तंपोंग में यहाँ पे ये टीम है, जोन एज पे है। टीम XRB की तरफ से यहाँ पे बैक टू बैक इनके पास शॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट टीम XRB से केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज गिली सूट उन्हें मिला है एंड इट्स अ शेनॉक का मैप, तो आई थिंक अगर प्रॉन हो गए तो स्पॉट यहाँ पे करना उनको बहुत मुश्किल हो सकता है। लेट्स सी XRB सेफ विद एन AWM। टीम नंबर 20 ये सोलो प्लेयर अभी भी हमारे यहाँ पे हैं एंड बिल्कुल जोन एज पर अगर हम देखें तो टीम आइकन्स है। टीम नंबर 18 के पास अगर हम देखें कोबरा की टीम आ चुकी है एंड अभी भी हमारे 4 टीम जो है जोन के बाहर है, तो लेट्स सी कैसे फाइट जाता है। टीम नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके सामने टीम नंबर 22 इज़ देयर। एंड जीनो की टीम से यहाँ पे जो है श्राउड नॉक होते हुए, श्राउड इज डाउन। टीम नंबर 14 यहाँ पे AWM से सेफ ने जो है उनको नॉक किया है। लेट्स सी जीनो के स्क्वाड से एक नॉक यहाँ पे जो है आ चुका है। टीम नंबर 14, टीम नंबर 9 इतना ईजिली यहाँ पे एंटर नहीं करने देंगे। आइकन्स का स्क्वाड भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई दे रहा है। टीम नंबर 9 पे अकेले प्लेयर यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल श्राउड दिख रहे हैं अलॉन्ग विद शान। श्राउड काफ़ी लो एच पी पे है, शान इज अ सैंडविच सिचुएशन यहाँ पे इस टीम के लिए हो रहा है बिकॉज आइकन्स का स्क्वाड भी यहाँ पे इन पर शॉट ले रहा है। आइकन्स की टीम से अगर हम देखें तो तीनों प्लेयर्स यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं। VKBTC अकेले बचे हैं, बैक टू बैक इन पर यहाँ पे शॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे से टीम नंबर 22 भी, डैक का स्क्वाड भी यहाँ पे आ चुके हैं। डैक के हेल यहाँ पे नॉक होते हुए सियोन की टीम बहुत प्यारे किल्स यहाँ पे निकाल रही है अगर हम देखें तो। टीम डैक के आइकन को इन्होंने यहाँ पे जो है स्पॉट कर लिया है एंड इतना इजीली यहाँ पे उनको मूव नहीं करने देंगे। फुल एम यहाँ पे जो है आइकन के पास इन्होंने लगाए हुए। JBL की तरफ अगर हम चले तो लेट्स सी JBL विद एन M4 प्लस को यहाँ पे स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हो, विजर्ड विद M4।
लेट्स सी टीम नंबर 22 की तरफ अगर हम चले तो एंटिक इज देयर, एंटिक हमारे यहाँ पे हैं आइकन्स की टीम की तरफ, आइकन्स के प्लस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत में आ रहा है। इनफैक्ट सेफ काफ़ी अच्छी स्नाइपिंग कर रहे हैं, जीनो के श्राउड को भी AWM से यहाँ पे नॉक होते, बहुत रेयरली स्नाइपिंग देखने को मिलता है इन अ शनॉक मैप, एंड सेफ यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नाइपिंग कर रहे हैं, ऑल द किल्स कन्फर्म नहीं करवा पा रहे हैं अपने। लेट्स सी डार्क की तरफ अगर हम मूव करें तो टीम डार्क इज देयर, रोटेशन यहाँ पे लेने का ट्राई कर रहे हैं, ब्लू जोन का डैमेज इनको यहाँ पे 30 सेकेंड्स में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनके एक टीममेट आइकन अभी भी जोन के बाहर है, टीम नंबर 18 उनको जोन में एंटर यहाँ पे नहीं करने दे रहे। फ्यूरी की तरफ से एक रेड डॉट स्प्रे यहाँ पे गया है, टीम मोमेंटम के शिंगचैन प्ले जोन से यहाँ पे नॉक होते हुए जोन से प्लस फिनिश होते हुए लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेड डॉट स्प्रे गया, डैमेज भी मिला है बट फ्यूरी को इन रिटर्न काफ़ी अच्छा डैमेज मिलते हुए। आइकन्स की वहीं अगर हम बात करें, हीलिंग्स पे हीलिंग्स लगा रहे हैं, जोन डैमेज काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है एंड टीम नंबर 18 यहाँ पे इनके पास में है। एंड वहीं अगर मैं देखूँ तो पीछे से टीम 16 के प्लेयर पर यहाँ पे जो है मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ आर मोमेंटम के शिंगचैन प्ले जोन से फिनिश ऑफ होते हुए। फेनरर की तरफ अगर चले, एक नॉक काफ़ी प्यारा यहाँ पे आया है टीम नंबर 22, दैट इज़ फ्यूरी यहाँ पे नॉक होते हुए। फेनरर आई थिंक जोन से फिनिश हो जाएंगे एंड फिनिश उनको यहाँ पे टीम नंबर 22 करते हुए, आइकन को यहाँ पे जो है एग्जिट दिला दी एनसी के साथ, टीम 16 हमारी फिनिश हो गई है। एलएससी टीम नंबर 8 के कोबरा की टीम के पास अगर हम देखें तो एक्सीएस की टीम के पास यहाँ पे पुश कर चुके हैं, 2v2 का इवन फाइट यहाँ पे होगा। सेफ यहाँ पे ग्रोजा से जो है शॉट ले रहे हैं, भाई ग्रोजा है थोड़ा सा केयरफुल, इनको यहाँ पे जो है पुश करना पड़ेगा। ग्रेनेड यहाँ पे सेफ की साइड से आते हुए, ग्रोजा क्लोज रेंज में बहुत ओपी है तो काफ़ी केयरफुल इनको यहाँ पे जो है पुश करना पड़ेगा, टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 14 हमारा। एंड इनफैक्ट कोबरा थानोस को अगर सितान को देखो, रिज के कवर लेकर जो है वो लोग अभी फिलहाल जोन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, विच इज़ अ स्मार्ट डिसीजन बिकॉज लास्ट का जोन है बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा। टेजर को भी अगर हम देखिए, एक्सीएस की टीम से जोन की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, काफ़ी ओपन में यहाँ पे प्रॉन है बट शनॉक है, ग्रास का कवर ही काफ़ी बड़ा कवर यहाँ पे हो जाता है। लेट्स सी टीम नंबर 18 के पास अगर हम चले तो टीम टैग से एक प्लेयर यहाँ पे आइकन नॉक है, कोबरा थानोस प्ले जोन से यहाँ पे नॉक होते हुए। एंड JBL की तरफ अगर चले, कोबरा सितान यहाँ पे एक और नॉक, एक्सीएस के टेरर को यहाँ पे नॉक किया, सैफ इनके सामने यहाँ पे है, सैफ को लेट्स सी यहाँ पे स्पॉट कर पाएंगे यानी कोबरा थानोस तो यहाँ पे फिनिश हो गए, कोबरा की टीम से सितान अकेले बचे हैं। टीम नंबर 20 से भी अगर हम देखें, लेट्स सी सैफ के पास अगर हम चले, ग्रोजा से यहाँ पे थोड़े से रैंडम शॉट्स ही लेने का ट्राई कर रहे थे, टीम डैक से यहाँ पे केयरफुल इनको होना पड़ेगा बिकॉज इनके बिल्कुल राइट साइड पर अगर मैं देखूँ तो टीम डैक इज देयर, स्मोक कवर यहाँ पे जो है इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। सियोन JBL किल पे किल निकाल रहे, एक और किल यहाँ पे निकालते हुए कोबरा सितान को फिनिश करके, एंड टीम डैक आइकन ने यहाँ पे जो है टीम XCS को फिनिश कर दिया। तो इट्स बिटवीन टीम 18 टीम 22 एंड टीम नंबर 20 को, सियोन की टीम के मैंड्रिन को अगर हम देखें तो हल्का सा यहाँ पे बिल्कुल एलसे स्टोन के कवर में है, ज़्यादा फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सेंटर ऑफ द जोन है बिकॉज एक साइड तो अगर हम देखें वाटर जोन यहाँ पे जो है हमारा, एंड में आके वाटर जोन बहुत रेयरली बनता है बट आइकन यहाँ पे नॉक होते हुए JBL से बहुत प्यारा। एंटिक की तरफ अगर हम मूव करें तो एंटिक सेव नहीं कर पाएंगे अपने टीममेट को, फिनिश उनको यहाँ पे जो है कर दिया गया है। एंड इसी के साथ अगर हम देखें सियोन की टीम, ऐसा लग रहा है कि शायद ये चिकन डिनर निकाल जाएगी आइकन्स की टीम विद 7 किल, एंटिक अकेले बचे हैं, सियोन का टीम विद टोटल 4 किल्स, यानी कि तीनों प्लस यहाँ पे अलाइव में सबसे बड़ा एडवांटेज है बट मैंड्रिन से यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज मैंड्रिन यहाँ पे स्पॉट नहीं हुए हैं तो आई थिंक मैंड्रिन शायद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर पाएंगे। एंड एंटिक भी यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ होते हुए, मैंड्रिन अकेले यहाँ पे बचे हैं, टीम नंबर 18 सियोन की टीम एंड टीम नंबर 20 सियोन मैंड्रिन, सियोन वर्सेस सियोन यहाँ पे है, वन इज सियोन रेट्रीब्यूशन एंड अदर वन इज द सियोन की टीम। तो लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पे जो है चिकन डिनर निकालेगी। जोन अगर मैं देखूँ तो जोन बना है सियोन रेट्रीब्यूशन के मैंड्रिन के फेवर में एंड आई थिंक हील बैटल में भी शायद ये गेम जा सकता है बिकॉज 4 फर्स्ट एड्स यहाँ पे मैंड्रिन के पास में है, ही कैन ट्राई फॉर अ हील बैटल बट आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 18 के प्लस पुश कर रहे हैं, M7 से यहाँ पे डैमेज देने का ट्राई किया, पोजीशन यहाँ पे इनका पता चल चुका है, एक नॉक काफ़ी प्यारा यहाँ पे आया, कंफर्म करने के यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं जो शायद यहाँ पे एक गलती हो सकती है। एंड लेट्स सी यहाँ पे एक और नॉक लेने का ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी प्यारा एक और नॉक, लास्ट प्लेयर यहाँ पे JBL बचे हैं, क्या मैंड्रिन यहाँ पे 1v3 करके चिकन डिनर निकाल लेंगे, विल हैव टू सी, काफ़ी अच्छी फाइट ले रहे हैं अभी तो फिलहाल। एलएसजी JBL दूसरी साइड है, किल अपने यहाँ पे कंफर्म करते हुए मैंड्रिन, हील यहाँ पे अगर थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे तो शायद एक एडवांटेज इनके पास आ जाएगा बिकॉज हेल्थ काफ़ी लो इनका है, काफ़ी लो HP पे है, किल्स अपने सिक्योर कर चुके हैं। 1v1 का फाइट है मैंड्रिन वर्सेज JBL, JBL की तरफ अगर हम चले तो JBL इज एट लेवल 1 का वेस्ट है, M762 इनके पास, मैंड्रिन इज ऑल्सो है विद इन M762, लेवल 2 का वेस्ट है बट बहुत ही लो HP पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 HP पे मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी से इनको हील करना पड़ेगा बट ग्रेनेड बहुत ही परफेक्ट आया
एंड इसी के साथ टीम नंबर 18 हमारी सियोन की टीम यहाँ पे जो है चिकन डिनर निकालती है विद 3-5 and 1-6 किल्स. बट सियोन के रेट्रीब्यूशन के मैंड्रिन ने भी लास्ट में आके काफ़ी अच्छी फाइट ली. सेकंड पोजीशन पे हैं विद 7 किल्स. थर्ड पोजीशन पर है टीम डैक विद 4-5-6 and 1-7 किल्स. फोर्थ पोजीशन पर है XCS का स्क्वाड, XRB का स्क्वाड विद 1 किल. फिफ्थ पोजीशन पर है टीम कोबरा विद 3-1-4 किल्स के साथ. सिक्स्थ पोजीशन पर है जीनो का स्क्वाड विद 0 किल. सेवन्थ पोजीशन पर है मोमेंटम ईस्पोर्ट्स विद 2-3 and 1-4 किल्स के साथ. एट्थ पोजीशन पर है टीम आइकन्स विद 4-1-5 किल्स. नाइन्थ पोजीशन पर है INS का स्क्वाड हमारा विद 2 किल्स. टेंथ पोजीशन पर है टीम अल्फा विद 2 किल्स. इलेवेंथ पोजीशन पर है VISN विद 1 किल. एंड ट्वेल्थ पर है टीम IMP विद 2 किल्स. एंड दीज आर द रिजल्ट्स. एंड गाइस स्ट्रीम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. हाउ टू रजिस्टर सर, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए. डिस्कॉर्ड सर्वर पर रजिस्ट्रेशन होते हैं तो डिस्कॉर्ड का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है. फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, उसके बाद आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं. मृणल सरकार, अरे सर आप कर रहे थे 1v3 बट बहुत ओपी 1v3 था. वो ग्रेनेड बहुत ही परफेक्ट कुक हुआ था तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया. बट वेल प्लेड मृणल, बहुत ही ओपी. आपने 2 नॉक किए थे एंड 2 किल्स भी सिक्योर किए. दैट वाज सुपर, अच्छा था यार. गाइस अभी हमारे 2 मैचेस और बाकी हैं टीयर 2 के मैचेस. एंड अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए गाइस. चैट में रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, ना ही चैट में आईडी पासवर्ड मिल पाएगा. रजिस्ट्रेशन होते हैं डिस्कॉर्ड पर, तो उसके लिए आपको डिस्कॉर्ड ही ज्वाइन करना पड़ेगा. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Be nothing, living all alone.
alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Trying to pretend.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
Fly and fly, and I'll tell myself.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आज का हमारा थर्ड मैच टीयर टू के मैचेस अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं ग्रुप बी के एंड शनॉक में होगा हमारा ये मैच. लेट्स सी कौन सी टीम्स खेल रही हैं. स्लॉट नंबर थ्री में वी हैव टीम जी जीरो, स्लॉट नंबर फोर में है टीम FSC, टीम नंबर फाइव इज टीम KO, टीम नंबर सिक्स है 29WCS, टीम नंबर सेवन है EBM की टीम, टीम नंबर टेन है स्काई क्राई, टीम नंबर थर्टीन इज कॉमरेड्स की टीम, टीम नंबर फिफ्टीन है IBE का स्क्वाड, टीम नंबर सिक्सटीन इज IVS, टीम नंबर नाइनटीन है E9 का, दैट इज एक्को 09 का स्क्वाड. गुड लक टू ऑल द टीम्स. ओके, लेट्स सी द प्लेन पाथ. बिल्कुल सेंट्रल प्लेन पाथ आया है हमारा, फिर से बूट कैंप से होते हुए जा रहा है हमारा प्लेन पाथ. एंड आई थिंक टीम नंबर सिक्स ने तो यहाँ पे जंप करना भी स्टार्ट कर दिया है. टीम 29WCS काफ़ी अच्छा खेल रही है ये टीम भी. एली क्रिप्टन, हेलो सर, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अनुराग, FSC OP, सर एवरी टीम इज OP. ओके, अगर हम बूट कैंप में देखें तो FSC का स्क्वाड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी स्प्लिट है एक्चुअली. FSC के स्क्वाड को अगर हम देखें, टीम EBM भी उनके साथ ही ग्लाइड कर रहा है. EBM एंड FSC तो हम देख रहे हैं डेली ही हो रहा है. टीम नंबर 19 की तरफ अगर हम देखें, रेड के स्क्वाड IBE की तरफ यहाँ पे जो है टैटमॉक की तरफ यहाँ पे ग्लाइड कर रहे हैं बोथ द टीम्स. राइट का स्क्वाड एंड टीम नंबर 15 पैराडाइज रिजॉर्ट में वी हैव टीम KO. एंड टीम नंबर 6 को अगर हम देखें तो कैंपोंग की तरफ शायद जा सकते हैं. पाइना में तो यहाँ पे G0 का स्क्वाड आ चुका है. चार्ली में कैंप चार्ली में वी हैव गॉट टीम कॉमरेड्स. टीम नंबर 16 IVS की टीम को अगर हम देखें, कैंप अल्फा में है, बूट कैंप में है EBM का स्क्वाड. FSC का स्क्वाड छोटे कंपाउंड्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं. लेट्स सी टीम 15 के पास चलेंगे. सबसे पहले IBE कुनाल OP यहाँ पे अभी हमारे यानी के पास में अगर मैं देखूँ टीम नंबर 19 इज देयर. तो IBE कुनाल OP विदिन उजी वेनम के पास अगर हम चले, वेनम इज विदिन उजी, पंकज हमारे यहाँ पे है विदिन MK47 म्यूटेंट. तो लेट्स सी यहाँ पे सिंह की तरफ अगर हम चले, सिंह अपनी टीम से थोड़ा सा स्प्लिट यहाँ पर है. तो लेट्स सी कैसे फाइट यहाँ पे जाती है. विक्टर ऑल्दो इनको यहाँ पे मिल चुका है टीम नंबर 19 की. वहीं अगर हम बात करें तो लेट्स सी टीम 19 की तरफ चलते हैं. एंड एक्को 9 के टाइटन इज विद एन M416 एंड एन M762. फेट के पास अगर चले तो ही हैज गॉट अ QBZ. एंड वेनम हमारे यहाँ पे है विद एन M16. राइट रिडिकुलस को मिल चुका है QBZ. शनॉक एक ऐसा मैप है जिसमें कभी भी लूट का प्रॉब्लम नहीं आता, हर किसी को बहुत अच्छा लूट मिल जाता है इस मैप में. अच्छा नहीं तो एटलीस्ट एक एवरेज लूट तो यहाँ पे आई थिंक हर एक टीम को और हर एक प्लेयर को मिल जाता है. एंड बूट कैंप में अभी भी हमारी टीम नंबर 7 है, कैंप अल्फा में है टीम नंबर 16, हाथिन में गया है टीम नंबर 10 हमारा, दैट इज आवर स्काई क्राई की टीम. स्काई क्राई के मेजेस्टिक को अगर हम देखें तो यहाँ पे टीम नंबर 10 के पास चलते हैं. सॉरी, टीम नंबर 10 इज द स्काई क्राई के मेजेस्टिक हमारे यहाँ पे है. ओरियन BTC इज विद एन AKM. एंड इनके टीममेट भालू OP को अगर हम देखें तो इज गॉट एन AKM. तो काफ़ी अच्छे है अभी फिलहाल इनके पास में लूट है. बट आर्मर अगर हम देखें तो लेवल 1 के गैस इनके पास मुझे दिखाई दे रहे हैं.
एंड वहीं अगर हम देखें FSC की टीम थोड़ा सा स्प्लिट होकर लूट कर रहे हैं, टीम नंबर 19 जैसे मूव कर रहे हैं, तो आई थिंक टीम 19 एंड टीम नंबर 15 की फाइट हो सकती है। एंड टीम नंबर 4 FSC की टीम यहाँ पे एक्को 9 के टाइटन को नॉक एंड फिनिश यहाँ पे डायरेक्टली करते हुए, नाइट्रो की टीम यहाँ पे जो है राइट का स्क्वाड अपना एक प्लेयर लूज कर चुके हैं, FSC की टीम आते ही यहाँ पर जो है अपने लिए एक किल निकालते हुए। हाई स्टैग नहीं, तुमको कोई नहीं जानता इधर, नोबडी नोज यू, यू आर नॉट अ प्रेसिडेंट कि हम आपको जाने। लेट्स सी FSC श्राउड BTC इज देयर विद अ UMP 45। तुम ऐसे बोल रहे हो स्टैग आते, कोई जानता है मेरे को? नहीं जानते भाई तेरे को? नहीं नहीं जानते हैं, स्टैग को सब जानते हैं, एवरीबडी नोज स्टैग। रेड रिडिकुलस हमारे यहाँ पे है विद QBZ टीम नंबर 19, टीम नंबर 4 के पास यहाँ पे मूव कर रहे हैं FSC गॉड विद वेक्टर, इनके पास में बहुत ही अच्छी गन है। टीम 19 की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे नॉक हो सकते थे वेलरीन एंड नॉक हो गए हैं, बहुत प्यारा फ्लैंक यहाँ पे FSC की टीम की साइड से गया था। एंड भीष्मा इनको आई थिंक यहाँ पे फिनिश करने का भी ट्राई करेंगे। वेनम की अगर मैं बात करूँ तो वेनम अकेले यहाँ पर है, बैकअप देने में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर इनको आ सकता है। लेट्स सी वेनम को भी यहाँ पे डैमेज मिलते हुए, FSC टॉक्सिक। FSC की टीम की फॉर्मेशन हमेशा वन ऑफ द बेस्ट रहती है एंड अलग अलग एंगल्स यहाँ पे ये लोग पकड़ते हैं। एंड फिनिश यहाँ पे जो है इन्होंने टीम नंबर 19 को करके 4 किल्स अपने लिए सिक्योर यहाँ पे कर लिया है। इसी के साथ हमारा सबसे पहला स्क्वाड वाइप आते हुए, यानी कि पास में अगर हम देखें तो IBE की टीम भी दिखाई दे रही है, तो IBE वर्सेज FSC होने के भी थोड़े से चांसेस मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं इधर। आहिर गेमिंग हाउ टू ज्वाइन T23? सर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कॉर्ड पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप भी रजिस्टर करिए, उसके बाद आप भी खेल सकते हैं। पहले सीट पैराडाइज के पास से यहाँ पे रोटेशन लेते हुए, पैराडाइज से तो निकल चुका है टीम KO की अगर हम बात करें, बट IBE की टीम एंड FSC काफ़ी ज़्यादा चांसेस है बिकॉज उनके पास ही यहाँ पे जो है सिंग मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई थिंक सिंग को एक आइडिया है कि आसपास कोई टीम है, तो लेट्स सी सिंग विद द वेक्टर क्या यहाँ पे FSC की टीम को स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। एंड टीम बूट कैंप में अगर हम देखें तो टीम EBM इज देयर, उनके पास में ही G0 का स्क्वाड यहाँ पे मूव करते हुए दिख रहा है। एंड ड्रॉप हमारा आते हुए, तो लेट्स सी ड्रॉप में क्या आया है। इसमें आया है AWM.300 मैग्नम सप्रेसर स्नाइपर का लेवल 3 आर्मर एंड लेवल 3 का बैकपैक। एंड टीम 16 अभी भी IBS का स्क्वाड हमारा कैंप अल्फा में है, तो आई गो टू टीम FSC। सबसे पहला स्क्वाड वाइपिंग की साइड से आया था, बहुत अच्छा परफॉर्म। FSC भीष्मा को अगर हम देखें तो 2 प्लस इनके यहाँ पे फिनिश ऑफ हुए। IBE की टीम थोड़ा अच्छा स्टार्ट यहाँ पे लेते हुए, एंड काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट है ये टीम अगर हम देखें तो, चारों तरफ से यहाँ पे जो है क्लोज इन करने का ट्राई कर रहे हैं टीम नंबर 4। एंड वहीं अगर हम टीम नंबर 7 के पास चले, दैट इज़ आर EBM का स्क्वाड इनके पास में आ चुका है, हमारा टीम KO, टीम KO के प्लस आर ऑलरेडी देयर। तो लेट्स सी टीम KO से यहाँ पे ज़ेनॉन जो है नॉक होते हुए, ज़ेनॉन इज डाउन। फर्टिलिटी की तरफ अगर मूव करें तो लेट्स सी फर्टिलिटी यहाँ पे है विद एन M416, 2 प्लस यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं, फर्टिलिटी यहाँ पे रिवाइव नहीं दे पाएंगे। अक्की की अगर बात करें तो अक्की यहाँ पे अभी नॉक है, अनुज की तरफ मूव करेंगे, ब्रोकन वॉल पे यहाँ पे TPP लेते हुए। लेट्स सी फर्टिलिटी की तरफ अगर चले तो शॉट्स यहाँ पे लेने का ट्राई करें, बट फर्टिलिटी भी यहाँ पे नॉक होते हुए EBM म्यूसा से अकेले सोलो प्लेयर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अनुज इस दर पोशिंग के पास आ सकता है। टीम को रिवाइव देना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इनके लिए इम्पॉसिबल है अभी फिलहाल, पहले टीम नंबर 7 से 1v4 इनको करना पड़ेगा। फर्टिलिटी बहुत दूर है, उनको तो रिवाइव नहीं मिल पाएगा। एंड टीम नंबर 5 के 2 प्लस यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए, अक्की को भी आई थिंक यहाँ पे टीम EBM फिनिश कर देगी। एंड अनुज के पास यहाँ पे जो है चार्जिंग करते हुए एंड फिनिश भी उनको यहाँ करते हुए, इसी के साथ अगर हम देखें टीम नंबर 5 हमारे यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं। टीम EBM ने अपने लिए 4 किल सिक्योर कर लिए हैं। टीम नंबर 10 के पास अगर हम चले तो स्काई क्राई की टीम हमारी यहाँ पे है, ओरियन BTC विद अ कार 98, इनके टीममेट मेजेस्टिक के पास अगर चले तो M4 यहाँ पे है एंड आई थिंक यहाँ पर स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं। टीम 15 IBE का स्क्वाड इनके काफ़ी पास में है एंड बूट कैंप में हमारा एंटर कर चुका है टीम नंबर 3। कॉमरेड्स की टीम को अगर हम देखें तो उनके पास में टीम 29 WCS मुझे यहाँ पे दिख रही है।
एनर्जी स्काई के मेजेस्टिक यहाँ पे विद एन M416 ओरियन की तरफ अगर हम चले तो ओरियन इज द विद द कार 98 एंड IBE के कुनाल ओपी को अगर मैं देखूँ उन पर यहाँ पे शॉर्ट आई थिंक ये लेने का ट्राई करेंगे, कनेक्ट होता है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। कुनाल पे यहाँ पे जो है स्प्रे जाते हुए और इनका काफ़ी अच्छा डैमेज यहाँ पे जो है इनको दिया है, बट IBE की टीम से भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो शॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्काई के और इन बहुत ही क्लियर एंगल इनको मिल रहा था यहाँ पे शॉट्स देने का, बट शॉट थोड़े से जो है मिस होते हुए। एंड सिंह पे यहाँ पे कार 98 के शॉट थोड़े मिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी मेजेस्टिक की तरफ अगर मूव करें तो मेजेस्टिक इज देयर, IBE वेनम को यहाँ पे भालू ओपी नॉक करते हुए वेनम इज डाउन। वेनम हमारे यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं फ्रॉम टीम IBE स्काई क्राई की टीम से भालू ओपी। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे IVS की टीम के रेजर अपने ही टीममेट अल्फा को गलती से नॉक कर दिए हैं ग्रेनेड से। एनएससी भालू विद एन M4 और इनकी तरफ अगर हम चले इनफैक्ट टीम IBE के पास अगर हम चले तो वेनम नॉक थे बट सिंह उनको इजिली रिवाइव दे देंगे। पंकज इज द लेट्स सी टीम IBE की अगर बात करें नंबर्स का भी एडवांटेज इनके पास है एंड जोन अगर हम देखें तो जोन का भी एडवांटेज दोनों टीम्स के पास है, जोन इनके फेवर में ही अभी फिलहाल बना है। टीम 13 के पास अगर हम चले कॉमरेड्स की टीम, इनके पास में मुझे टीम नंबर 6 दिखाई दे रही है, दैट इज आवर टीम 29WCS। एंड लेट्स सी रक्षित की तरफ चलेंगे, रक्षित इज हियर कॉमरेड्स की टीम से। लकी के पास अगर हम मूव करें तो लकी विद एन M416। शशांक हमारे यहाँ पे IBE की टीम की अगर हम बात करें तो स्काई भालू ओपी जो है वो नॉक हुए थे बट रिवाइव उनको यहाँ पे मिल गया है। IBE सिंह भी हमारे अगर मैं देखूँ तो नॉक होते हुए, स्काई की टीम काफ़ी अच्छी यहाँ पे अभी फिलहाल अगर मैं देखूँ तो फाइट लेते हुए दिखाई दे रही है। भालू यहाँ पे नॉक थे, रिवाइव इनको मिलेगा और इनकी तरफ से मेजेस्टिक को अगर हम देखें खुद को फुल बूस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। IBE की टीम काफ़ी अच्छी फाइटिंग के साथ यहाँ पे ले रही है। एंड इसी के साथ अगर हम देखें ड्रॉप हमारा यहाँ पे आते हुए, लेट्स सी ड्रॉप में क्या आया है। ड्रॉप में आया है AWM.300 मैग्नम एयर सप्रेसर, लेवल 3 आर्मर, लेवल 3 बैकपैक, एड्रेनल सिरिंज एंड एक गिली सूट। एंड IBE की टीम यहाँ पे एक और नॉक लेते हुए फ्रॉम टीम नंबर 10 स्काई क्राई की टीम से भालू यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और इन उनका रिवाइव दे रहे हैं। एंड आई थिंक वेनम यहाँ पे मुझे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा एक राइट फ्लैंक यहाँ पे करके, एंड आई थिंक उनको बहुत ही परफेक्ट एक एंगल मिलेगा यहाँ शॉट्स लेने के लिए। लेट्स सी वेनम के पास अगर हम देखें, वेनम का फ्लैंक यहाँ पे बहुत ही प्यारा आ रहा है तो लेट्स सी, बट इनको थोड़ा सा यहाँ पे जो है केयरफुल होना पड़ेगा स्काई के मेजेस्टिक से, बिकॉज मेजेस्टिक जो मेजेस्टिक की अगर हम बात करें मेजेस्टिक यहाँ पे थोड़ा सा दूर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक वेनम को उन्होंने यहाँ पे शायद से स्पॉट कर लिया है तो मेजेस्टिक भी यहाँ पे हल्का सा रोटेशन ले रहे हैं एंड आई थिंक शायद से नॉक करने का ट्राई करेंगे। IBE को नॉक ओपी तो यहाँ पे स्काई भालू ओपी को नॉक करते हुए मेजेस्टिक आई थिंक यहाँ पे जो है स्काई IBE वेनम को यहाँ पे जो है नॉक करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी वहीं ओरियन की तरफ अगर चले तो ओरियन यहाँ पे वेनम पे स्प्रे जा रहा है काफ़ी प्यारा एंड वेनम इज डाउन। मेजेस्टिक ने उनको यहाँ पे नॉक किया, डैमेज यहाँ पे जो है ओरियन ने भी काफ़ी अच्छा दिया था तो IBE की टीम थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे यहाँ पे जा रही है। वेनम नॉक हो चुके हैं इनकी टीम से, पंकज इज देयर, सिंह यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं। मेजेस्टिक को यहाँ पे डैमेज देने का ट्राई करे बट कोई खास शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कुनाल की तरफ अगर मूव करें तो कुनाल इज देयर, रिवाइव देने में थोड़ा मुश्किल आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे शायद से वेनम ऐसा लग रहा है फिनिश हो सकते हैं। लेट्स सी पंकज की तरफ अगर चल तो पंकज इज हियर हमारे, एंड आई थिंक पंकज यहाँ पे इजीली वेनम को अब रिवाइव दे पाएंगे। टीम नंबर 10 की अगर हम बात करें, टीम नंबर 10 काफ़ी देर से इनका यहाँ पे फाइट चल रहा है। टीम 13 के पास में अगर हम चले कॉमरेड्स की टीम इज देयर, एंड इनके पास में टीम नंबर 6 हमारी दिखाई दे रही है, दैट इज 29WCS। एंड उनके साथ में ही EBM का स्क्वाड भी हमारा यहाँ पे जो है वो रोटेशन लेते हुए दिखाई दे रहा है तो तीन टीम्स की फाइट शायद यहाँ पे हो सकती है। एंड टीम नंबर 6 टीम 29WCS शायद यहाँ पे सैंडविच हो सकते हैं। एंड वॉरलाइक यहाँ पे नॉक होते हुए बाय टीम EBM यूसा, EBM की टीम क्लोजिंग यहाँ पे करते हुए ऑन टीम नंबर 6 29WCS के अंश को अगर हम देखें, कंपाउंड का कवर है एंड पुशिंग के पास यहाँ पे आते हुए दिख रहा है टीम नंबर 7 का, दैट इज अवर EBM का स्क्वाड।
शॉट्स एक्सचेंज होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड वहीं अगर हम देखें लोहित यहाँ पे जो है काफी प्यारा माधव को नॉक करते हुए, दोनों टीम से यहाँ पे एक एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं। कॉमरेड शशांक यहाँ पे ठाकुर को नॉक करते हुए, पीछे से कॉमरेड्स की टीम यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही है। नियॉन एंड म्यूसा अकेले बचे हैं फ्रॉम टीम EBM, थोड़ा सा केयरफुल फाइट लेना पड़ेगा। ओपन में अगर मूव करेंगे तो शायद यहाँ पे कॉमरेड्स की टीम उनको पे बहुत ही क्लियर शॉट ले पाए। माधव यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए टीम 29WCS ने यहाँ किल सिक्योर किया। एंड म्यूसा बहुत ही परफेक्ट टाइम पे अपना पोजीशन चेंज किया बिकॉज काफ़ी अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे आया था। नियॉन की वहीं अगर हम बात करें, नियॉन यहाँ पे टीम नंबर 6 के बीच में मुझे फंसे हुए लग रहे हैं, फाइटिंग को लेना पड़ेगा। 1v3 का फाइट यहाँ पे है, एक प्लेयर ऑल द वॉर लाइक यहाँ पे नॉक है। म्यूसा को अगर हम देखें तो लोहित को यहाँ पे नॉक करते हुए विद हिज M249, काफ़ी अच्छा बैकअप यहाँ पे जो है दे रहे हैं एक दूसरे को। टीम EBM की अगर हम बात करें तो नियॉन इज देयर, एक और नॉक यहाँ लेने का ट्राई किया बट खुद यहाँ जो है नॉक हो चुका है। इट्स ऑल ऑन म्यूसा, म्यूसा के ऊपर यहाँ पे है क्या टीम फिनिश हो जाएगी। लेट्स सी, म्यूसा विद एन M416 एंड M249 इनके पास में, क्लोज रेंज में बहुत ओपी है, Level 3 के गेयर्स हैं। म्यूसा कैन डू इट, एक नॉक यहाँ पे शायद लगा था आएगा बट नहीं। EBM म्यूसा को यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए, टीम नंबर 6 टीम 29WCS यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ करते हुए टोटल 3 किल सिक्योर कर चुकी है ये टीम अपने लिए। इनके पास अगर हम देखें तो कॉमरेड्स की टीम भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्लोज इन करते हुए दिख रही है। लकी यहाँ पे आ चुके हैं, शॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। एंड कॉमरेड्स के मनम को यहाँ पे जो है नॉक करते हुए अंश ने यहाँ पे काफी प्यारा एक नॉक ले लिया है। मनम काफी ओपन से यहाँ पे जो है पुश कर रहे थे। लकी एंड रक्षित ऑलरेडी यहाँ पे कंपाउंड में आ चुके हैं। शशांक भी यहाँ आते हुए मनम को रिवाइव देने में रक्षित आई थिंक दे पाएंगे थोड़ा सा, बट शशांक पे यहाँ पे शॉट सारे अंश की तरफ से। अंश यहाँ पे शशांक को भी नॉक करते हुए 2+ यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं फ्रॉम टीम कॉमरेड्स। रक्षित की तरफ अगर चले तो रक्षित यहाँ अपने टीममेट को रिवाइव देने का वेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे एक प्लेयर तो शायद से मनम वापसी कर लेंगे अपनी गेम में। लकी के पास अगर हम चले, लकी यहाँ TPP ले रहे हैं, स्मोक कवर बनाने का ट्राई करेंगे शशांक को रिवाइव देने के लिए, बट आई थिंक अंश यहाँ पर एम लगाकर शायद बैठे होंगे, रिवाइव शायद से मुश्किल होगा देना। एंड अंश यहाँ पे नॉक होते हुए रक्षित ने उनको नॉक किया। रक्षित TPP ले ही रहे थे एंड बहुत ही क्लियर एंगल उनको मिला एंड नॉक यहाँ पे जो उन्होंने कर दिया। टीम नंबर 6 के 2+ अभी भी यहाँ पर है। टीम नंबर 13 वापस से गेम में आते हुए शशांक यहाँ नॉक है बट आई गेस उनको भी रिवाइव मिल जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे अगर हम देखें, रक्षित की तरफ से ग्रेनेड गया है बट आई डोंट थिंक ये ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा। शशांक भी अगर मैं देखूँ तो रिवाइव मिल चुका है। IB के कुनाल यहाँ पे अगर हम देखें, स्काई के ओरियन BTC को जो है नॉक करते हुए, ओरियन नॉक हो चुके हैं फ्रॉम टीम स्काई। इनफैक्ट टीम कॉमरेड्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी फाइट ले रहे हैं, काफ़ी प्यारा थर्ड पार्टी इन्होंने जस्ट अभी किया था टीम EBM पे एंड टीम नंबर 6 पे। टीम 29WCS ने जस्ट अभी EBM की स्क्वाड को फिनिश करके किल्स अपने लिए सिक्योर किया। लकी की तरफ से अगर देखिए, लकी यहाँ पे एक हल्का सा राइट फ्लैंक करने का ट्राई करें, पीछे से उनको काफ़ी अच्छा एक एंगल मिल सकता है बैकअप अपनी टीम को देने के लिए। वहीं अगर IB कुनाल को देखें तो स्काई और इनको दोबारा नॉक एंड फिनिश यहाँ पे करते हुए। स्काई की टीम से एक प्लेयर हमारे यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ हो चुके हैं। मिश्रा को अगर देखें, मिश्रा यहाँ पे क्लोज इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने रक्षित इनके हैं, प्री फायर देखें यहाँ पे आई थिंक एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं बट रक्षित की तरफ से भी शॉट आते हुए एंड एक नॉक यहाँ पे। गन यहाँ स्विच करने का ट्राई करेंगे, गन स्विच यहाँ पे जो है मिश्रा करने का ट्राई कर रहे थे बट नहीं हुई एंड उनको नॉक फिनिश यहाँ पे जो है कर दिया गया। लेट्स सी लोहित की तरफ अगर चले, लोहित भी यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए, अंश अकेले यहाँ पे बचे हैं टीम कॉमरेड्स के प्लेयर एंड आई थिंक मिश्रा यहाँ पे शायद एक और नॉक कर पाते बट गन का उनका कुछ वहाँ पर दिक्कत हुआ। बट लेट्स सी, अंश इज देयर विद एन उजी टीम नंबर 13 इनके पास में, कॉमरेड्स का स्क्वाड 1v4 का सिचुएशन है टीम 29WCS अंश के लिए। अंश को अगर हम देखें तो एक नॉक यहाँ पे आया एंड फिनिश उनको यहाँ पे जो है कर दिया गया है बाय टीम नंबर 13 कॉमरेड्स की टीम। टोटल 4 किल्स अपने लिए यहाँ पर सिक्योर करते हुए बहुत ही बढ़िया। एंड इसी के साथ अगर हम देखें तो IBE की टीम यहाँ पे गेट कीपिंग शायद ऐसा लग रहा है कर सकते हैं। वेनम ऑल दो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, रिवाइव का तो कोई चांस नहीं है। जोन का डैमेज इनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है तो आई थिंक जोन से कहीं ऐसा ना हो टीम फिनिश हो जाए बिकॉज जोन डैमेज काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। पंकज भी यहाँ पे नॉक होते हुए, स्काई क्राई के भालू OP ने यहाँ पे नॉक किया, अकेले यहाँ पे कुनाल OP बचे हैं एंड आई थिंक टीम नंबर 10 के लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इतना ईजिली उनको यहाँ एंटर नहीं होने देंगे जोन में।
वही अगर हम देखें स्काईक्राई की टीम से, मेजेस्टिक ऑलरेडी जोन में रोटेशन ले चुके हैं, भालू के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है बिकॉज कुणाल उन पर एम लगा कर बैठे हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या वो मूव कर पाएंगे। एंड कुणाल की भी अगर हम बात करें तो कुणाल भी यहाँ पे जोन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। टीम नंबर थ्री यहाँ पे अगर हम देखें तो जोन एज पे है टीम नंबर 16 एज वेल IVS का स्क्वाड। स्काई के मेजेस्टिक यहाँ पे जो है जोन में जाने का ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको केयरफुल होना पड़ेगा टीम नंबर 16 से। टीम 16 ने अगर इनको यहाँ पे स्पॉट किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट इज आर IVS का स्क्वाड, इंडिक्टस का स्क्वाड। एंड लेट्स सी स्काई मेजेस्टिक हमारे यहाँ पे टीम नंबर थ्री इज द G0 का स्क्वाड हमारा है, G0 के 3-star विद एन M416। एंड स्काई क्राइज की टीम से अगर हम देखें मेजेस्टिक यहाँ पे जो है नॉक हो चुके हैं, G0 के स्क्वाड ने उनको यहाँ पे नॉक किया है। स्काई मेजेस्टिक इज डाउन, रिवाइव तो नहीं मिल पाएगा अपनी टीम से, काफ़ी स्प्लिट है। भालू को अगर हम देखें तो भालू को अभी भी ब्लू जोन का डैमेज मिल रहा है, बहुत लेट यहाँ पे रोटेशन ले रहे हैं। इनविक्टस का स्क्वाड अगर हम देखें तो कंपाउंड लेकिन उन्होंने होल्ड किया हुआ है, थोड़ा सा स्प्लिट है ये टीम। इनके पास में IBE के प्लस भी दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सी IBE के स्क्वाड के पास में अगर हम चले। कॉम्रेड्स के मनम इज द 4 kills यहाँ पे इन्होंने निकाले हैं, काफ़ी प्यारे। एंड जोन अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जोन यहाँ पे पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, तो टीम्स अभी काफ़ी सारी टीम्स जोन के बाहर यहाँ पे हैं। मेजेस्टिक तो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, टीम नंबर थ्री का किल यहाँ पे सिक्योर होते हुए। लेट्स सी टीम 16 के पास अगर हम चले तो इन्विक्टस का स्क्वाड है, पैराडाइज में डायरेक्टली एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी तो कोई दूसरी टीम नहीं है पैराडाइज में, तो सबसे पहले जाके अपना पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक ड्रॉप भी दिख रहा है, तो लेट्स सी ड्रॉप में क्या है। ड्रॉप को तो लूट लिया है बट लेवल 3 का हेलमेट इसमें अभी भी है, तो आई थिंक टीम नंबर 16 कैन गो फॉर दैट। लेट्स सी कुणाल के पास अगर चले, कुणाल भी IBE की टीम से यहाँ पे जो है पैराडाइज में आ चुके हैं, सोलो प्लेयर यहाँ पे बचे हैं अपनी टीम से। तीनों टीममेट्स इनके यहाँ पे अगर हम देखें फिनिश हो गए थे, तो कुणाल यहाँ पे थोड़ा सा सेफ गेम प्ले रखेंगे, बट लेट्स सी कैसे यहाँ पे फाइट लेते हैं। पैराडाइज में तो जोन में तो ऑलमोस्ट ये एंटर यहाँ पे कर चुके हैं, टीम नंबर 16 भी हमारी आ चुकी है। स्काई के भालू ओपी हैज ऑल्सो मेड इट टू द जोन, जो कि मुझे लगा था कि शायद ब्लू जोन से यहाँ पे फिनिश हो सकते हैं। लेट्स सी टीम नंबर 16 की तरफ अगर हम देखें तो IVS वर्सेस टीम नंबर 10, स्काई के भालू ओपी हमारे यहाँ पे हैं। टीम कॉमरेड्स को भी अगर हम देखें तो टीम कॉमरेड्स की तरफ से भी यहाँ पे जोन में एंट्री हो चुकी है। टीम नंबर 3 भी जोन के बिल्कुल सदरन एज पे यहाँ पे है, राइट साइड पे अगर हम देखें तो टीम 13 है, दैट इज़ आर कॉमरेड्स का स्क्वाड। एंड टीम नंबर 10 के भालू ओपी अकेले यहाँ पे अभी फिलहाल अपना पोजीशन होल्ड किए हुए। टीम नंबर 16 की अगर बात करें, इनविक्टस के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे हैं, आराम से अपना पोजीशन होल्ड किए हुए। थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज जोन हमारा यहाँ पे देखे तो फिर से थोड़ा सदरन शिफ्ट लिया है, एंड पूरा का पूरा जोन हमारा यहाँ पे जो है बना है टीम कॉमरेड्स के फेवर में। लेट्स सी टीम नंबर 16 के स्कॉर्पियन हमारे विद इन AKM निंजा पे अगर हम चले, निंजा यहाँ पे शशांक को नॉक करते हुए G0 के स्टिच पे भी यहाँ पे स्प्रे जा रहा है। टीम नंबर 3 भी यहाँ पे स्पॉट हो चुकी है, IVS का स्क्वाड दो जगह पर फाइट ले रहा है। कॉमरेड्स की टीम से तो एक नॉक ये टीम ले चुकी है। एंड लेट्स सी स्कॉर्पियन की तरफ अगर हम मूव करें, स्कॉर्पियन भी यहाँ पे जो है टीम नंबर 3 के पास जो है फाइट लेने के लिए मूव कर रहे हैं। स्टिच हल्का सा पेड़ का कवर है, थोड़ा सा भी रोटेशन यहाँ पे आया टीम नंबर 16 की साइड से, तो शायद यहाँ पे बहुत ही क्लियर एंगल मिल सकता है। वहीं अगर हम रेजर की तरफ चले तो रेजर यहाँ पे आई गेस शायद एक फ्लैंक यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड कॉमरेड्स की टीम के साथ इनका शायद यहाँ पे फेस ऑफ हो सकता है, उनसे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। स्काई भालू ओपी यहाँ पे बहुत प्यारा IVS स्कॉर्पियन को नॉक करते हैं, IVS की टीम से दो प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, फिनिश करके बहुत ही प्यारे किल यहाँ सिक्योर करेंगे। निंजा को यहाँ पे फिनिश करते हुए क्या बात है भाई, बहुत ओपी भालू ओपी इज देयर। एंड
टीम नंबर 3G0 का स्क्वाड इनके पास में यहाँ पे दिख रहा है एंड आई थिंक स्टिच को इन्होंने डैमेज देने का ट्राई किया था बट स्टिच से काफ़ी अच्छा डैमेज इनको यहाँ पे मिला है। कॉमरेड्स रक्षित की अगर हम बात करें तो कॉमरेड्स रक्षित इज देयर। आईवीज का स्क्वाड जो कि थोड़ा एडवांटेज में था फिनिश यहाँ होते हुए कॉमरेड्स के लकी ने उनको फिनिश करके जो है किल सिक्योर कर लिया। G0 की टीम के पास अगर हम चले तो लेट्स सी तीनों प्लेयर्स इनके अभी भी गेम में है। स्काई के भालू ओपी वेयरहाउस के पास यहाँ TPP लेते हुए आई थिंक शायद G0 की टीम पे शॉट्स यहाँ ले पाएंगे बिकॉज काफ़ी ओपन में अभी दोनों ही टीम है एंड भालू ने क्या ही थर्ड पार्टी किया था यार टीम नंबर 16 पे। लेट्स सी वहीं अगर हम देखें तो शशांक एक नॉक लेते हुए इनफैक्ट आईबी कुणाल ओपी यहाँ पे भालू के बिल्कुल साइड में है। लेट्स सी टीम G0 की तरफ अगर चले तो स्टिच एंड टॉप आर देयर एंड बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे कोई आईबी कुणाल ओपी एंड स्काई भालू ओपी पे जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे किल निकाल पाएंगे एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दोनों ही टीम के लिए। लेट्स सी कुणाल ओपी के पास में अगर हम चले तो बिल्कुल ब्लू जोन के एज पे है, जोन की तरफ इन्हें यहाँ पे धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हमारा जोन क्लोज इन करने वाला है, 10 सेकेंड है बस। रक्षित इज लकी यहाँ पे है। कॉमरेड्स की टीम के चारों प्लेयर्स अलाइव हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनके लिए है। एलएचसी टॉप के पास अगर चले तो स्टिच से यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, टॉप अकेले बचे हैं। स्काई क्राई की टीम से भालू ओपी के पास यहाँ पे आते हुए भालू ओपी को भी यहाँ पे शशांक फिनिश ऑफ करते हुए शशांक ने उनको यहाँ पे स्पॉट किया एंड इंस्टेंटली फिनिश कर दिया। कुणाल ओपी इज गोइंग फॉर अ हील बैटल। कॉमरेड्स की टीम के अगर हम देखें तो दो प्लेयर्स यहाँ पर हैं, स्टिच एंड टॉप। स्टिच को तो यहाँ रिवाइव शायद नहीं मिल पाएगा एंड लेट्स सी जोन में ही वोंट बी एबल टू मेक इट एंड टॉप यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए। IBE की टीम भी यहाँ पे हील बैटल कर रहे थे बट दो ही फर्स्ट एड थे तो जोन से यहाँ पे फिनिश हुए एंड ये गेम में चिकन डिनर निकाला है टीम कॉमरेड्स ने विद 4-3-7। एंड इस गेम में चिकन डिनर निकाला है टीम कॉमरेड्स ने विद 4-3-7-8-1-9 किल्स के साथ। सेकंड पोजीशन पर है टीम IBE विद 2-3-4-1-5 किल्स। थर्ड पोजीशन पर है टीम G0 विद 1 किल। फोर्थ पोजीशन पर है स्काई क्राई का स्क्वाड विद 4-1-5 किल्स। फिफ्थ पोजीशन पर है IBS इनविक्टस का स्क्वाड विद 0 किल्स। सिक्स पोजीशन पर है 29WCS विद 3 किल्स। सेवन्थ पर है EBM का स्क्वाड विद 2-4-1-5 किल्स। एट्थ पोजीशन पर है FSC का स्क्वाड विद 4 किल्स। नाइन्थ पोजीशन पर है टीम KO विद 0 किल्स। टेंथ पोजीशन पर है हमारा रेड का स्क्वाड विद 0 किल्स। एंड गाइस स्ट्रीम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस स्ट्रीम अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को भी पार्ट लेना है कस्टम्स में तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड अभी हमारा एक और मैच बाकी है, देयर इज गोइंग टू बी वन मोर मैच विच इज गोइंग टू बी द लास्ट मैच फॉर टुडे। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Oh,
Jumps or oil. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
surges around like an ocean in my head. We are heroes tonight.
trying to protect your soul. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... हाथ धोना सीखिए। Travel back in time, whoa.
from the same branch and leaves. Wild and free, living here in harmony. Don't you see? This is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back. हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आज का हमारा लास्ट मैच फॉर टुडे, जो कि हमारा टीयर टू ग्रुप ए का मैच है. लेट्स सी कौन सी टीम्स हमारे साथ खेल रही है. स्लॉट नंबर 4 में वी हैव टीम नेगेटिव, स्लॉट नंबर 5 में है टीएस की टीम, स्लॉट नंबर 6 में है IM4 का स्क्वाड, टीम नंबर 8 इज टीम प्लान बी, टीम नंबर 9 है BRC का स्क्वाड, टीम नंबर 10 है लाइक का स्क्वाड, टीम 11 इज पैनिक की टीम, टीम नंबर 12 इज कार्स की टीम, टीम नंबर 13 है RTL, टीम नंबर 17 है OHP की टीम, टीम नंबर 18 इज आर टीम KFD, टीम नंबर 19 इज राइट की टीम एंड टीम नंबर 25 में है SunF69. ओके, गुड लक टू ऑल द टीम्स. लेट्स सी द प्लेन पाथ. प्लेन पाथ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेंट्रल प्लेन पाथ है, क्रिचेस से होते हुए जा रहा है हमारा टुवर्ड्स सीमेंट फैक्ट्री. गुड लक टू ऑल द टीम्स. एंड गाइस, VLT सेंटिनल इज लाइव ऑन फेसबुक, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक चैट में है. ओके, प्लेयर्स ने यहाँ पे जो है जंप करना स्टार्ट कर दिया. लेट्स सी कौन सी टीम हमारी किधर जा रही है. कॉस्मेट्रॉन में कोई भी टीम नहीं है. गौरव को में अगर हम देखें तो टीम नंबर 13 इज देयर. विला में एक सोलो प्लेयर आए हैं एंड टीम नंबर 10 सनिफ इज देयर. एंड के साथ टीम नंबर 10 इज ऑल्सो देयर, दैट इज आर लाइक अ स्क्वाड. एंड वहीं अगर हम देखें पॉडवो में तो वी हैव गॉट टीम नंबर 11 सीमेंट फैक्ट्री में है टीम 6. एंड हॉट स्प्रिंग्स कैंट्रा की तरफ है हमारा टीम नंबर 17. विला में तो कोई भी नहीं है. तोवर की तरफ अगर हम देखें तो तोवर में दो टीम्स हैं, टीम नंबर 18 एंड टीम नंबर 12. तो लेट्स सी जल्दी से जाएंगे टीम 18 के पास. KFD का स्क्वाड हमारा यहाँ पे है. ऋतिक को अभी तक कोई गन नहीं मिला है. एंड टर्मी OP शायद AFK हैं. स्टेनो के पास अगर चले तो ही स्क्वाड एंड ऊजी. बॉसेक्स इज देयर विद नो लूट. स्कार्स की टीम के पास अगर हम चले तो लेट्स सी स्कार्स की टीम हमारी यहाँ पे है. कैप्रिकॉन को मिल चुका है थॉमसन एंड टीम KFD से यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैमेज जो है मदारा देते हुए काफ़ी अच्छा यहाँ पे उजी का स्प्रे देखा था. एंड टीम नंबर 18 से यहाँ पे अगर हम देखें ऋतिक ऑलमोस्ट नॉक होते होते बचे हैं. लेट्स सी KFD स्टेनो की तरफ अगर हम चले तो उजी इनके पास में. फॉर्मेशन देखते हैं एक बार टीम्स का.
इसका कि कैप्रॉन को अगर मैं देखूँ तो एक रोटेशन ले रहे हैं, फ्लैंक कर रहे हैं, एंड वही सन एफ 69 को तो लाइट टॉक्सी ने जो है फिनिश कर दिया। टीम 25-6 सोलो प्लेयर खेल रहे थे 1v4। लेट्स सी कैप्रॉन की तरफ अगर हम मूव करें, कैप्रॉन विद द थॉमसन एंड शॉट्स यहाँ पे जा रहे हैं स्कार्स की टीम के पास फ्रॉम टीम नंबर 18, टीम 18 की साइड से। लेट्स G1AR नित्याश्री, हेलो सर, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काफ़ी लंबा नाम है, कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ा यूनिक है। लेट्स सी स्कार्स कैप्रॉन के पास अगर चले तो ही इज गॉट अ थॉमसन। मदारा की तरफ अगर चले तो मदारा इज देयर, दोनों टीम से यहाँ पे तोवर में ड्रॉप इन किया था। सीमेंट फैक्ट्री में हमारी है टीम नंबर 6, एंड जोन में अगर मैं देखूँ तो सदरन जोन बना है और ऑलमोस्ट सभी टीम जोन में एक्सेप्ट फॉर द 4 टीम्स दैट इज जो कि डॉब्रो मेस्ट्रो में गए हैं, एंड राइट की टीम जो कि पोर्ट पे है, एंड टीम नंबर 5 पेशकोबा की तरफ। आई थिंक इतना दिक्कत नहीं आएगा जोन रोटेशन में टीम्स को। लेट्स सी टीम नंबर 4 के पास वही अगर हम चले तो नेगेटिव का टीम यहाँ पर लूट करते हुए दिखाई दे रहा है डॉब्रो मेस्ट्रो में। तो वेनम इज हियर विद द G360, नाइट क्रॉलर हमारे यहाँ पे है विद द G360। ज्यूस की तरफ अगर हम चले तो ही इज गॉट इट AKM, एंड स्कार्स की टीम यहाँ पे एक नॉक लेते हुए। लेट्स सी टीम नंबर 12 की तरफ अगर चले तो स्कार्स की टीम यहाँ एक नॉक लेते हुए टीम नंबर 18 KFD की टीम से ऋतिक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, बॉसों को रिवाइव देने का ट्राई करें। लेट्स सी स्टेनो के पास अगर हम चले, आई थिंक यहाँ पे क्लोजिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 12 के प्लस, एंड ऋतिक यहाँ पे फिर से नॉक हो गए, हील यहाँ नहीं कर पाए थे। बॉस इज हियर विद अ बायसन, एंड टीम नंबर 12 का पोशन के पास आया, एक नॉक यहाँ अपने AKM से करते हुए, एंड आई थिंक बॉस यहाँ नॉक हो जाएंगे। बॉस इज ऑल्सो डाउन, स्टेनो को अगर हम देखें पीछे से बैकअप यहाँ देने का ट्राई कर रहे हैं अपनी G360 से, बट यहाँ पे नॉक नहीं ले पाए टीम नंबर 12 से। लेट्स सी स्कार्स की टीम काफ़ी प्यारा यहाँ पे पुश किया, स्प्लिट थे टीम 18 के प्लस, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत इनको जो है आ गया है। लेट्स सी स्टेनो यहाँ पे खुद को फुल बूस्ट करने का ट्राई करेंगे। टर्मी ओपी की तरफ अगर चले तो टर्मी आई गेस यहाँ पे फॉल बैक ऐसा लग रहा है शायद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टेनो इज ऑल्सो डाउन, स्टेनो भी यहाँ पे नॉक होते हुए। टीम KFD के तीनों प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिनिश हो चुके हैं। टर्मी इज देयर, टर्मी आई थिंक फॉल बैक यहाँ पे करेंगे, स्पॉट ना होने का ट्राई करें, बट टर्मी भी यहाँ पे स्पॉट होते हुए स्पॉट उनको किया, फिनिश यहाँ पे करने का ट्राई करें, एंड फिनिश भी होते हुए ईजी पीजी स्क्वाड वाइप यहाँ पर टीम नंबर 12 अपने लिए करते हुए, एंड 4 किल्स भी इन्होंने सिक्योर कर लिए हैं। दैट इज सुपर्ब। इनके पास अगर मैं देखूँ तो टीम नंबर 10 यहाँ पे मूव कर रही है, दैट इज लाइक अ स्क्वाड, डैमेज यहाँ पे देने का ट्राई कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छा डैमेज भी इन्होंने दिया है, बट टीम नंबर 10 हमारे यहाँ पे सेफली फिलहाल तो निकल गई है एक सेफ पोजिशन पे। फाइट लेते हैं या नहीं वो तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा, व्हीकल यहाँ पे रोक दिया है, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक अ फाइट विद टीम नंबर 12, लाइक टीम वर्सेस कार की टीम यहाँ पे शायद हो सकती है। लेट्स सी टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 10 लाइक स्ट्रेंज यहाँ पे हैं। G3 के पास प्लेयर्स को स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं, पास में अगर मैं देखूँ तो टीम नंबर 9 के BRC के अल्ट्रॉन जे भी यहाँ पे जो है मूव करते हुए दिख रहे हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे स्पॉट तो अभी तक नहीं किया, अपने टीम के पास यहाँ पे जाने का ट्राई करेंगे बिकॉज काफ़ी स्प्लिट है अपने टीम मेट से। टीम नंबर 6 के पास अगर चले तो IM4 के स्क्वाड यहाँ पर है सीमेंट फैक्ट्री में, एंड इनके पास में टीम नंबर 11 इज ऑल्सो देयर, दैट इज पैनिक की टीम। पैनिक की टीम बहुत ही सुपर गेम प्ले दिखाते आ रहे हैं। तो लेट्स सी पैनिक अर्पन के पास में अगर हम चले तो अर्पन हैज़ गॉट एन M4 लूट, अगर हम टीम नंबर 11 की देखें तो आई थिंक दे हैव गॉट अ गुड लूट, अच्छा लूट इनको यहाँ पे जो है मिल चुका है। मॉन्स्टर को तो लेवल 3 के गियर्स यहाँ पे मिल चुके हैं टीम नंबर 11, एंड टीम नंबर 5 इनके पास में यहाँ पर है, थोड़ा सा स्प्लिट होकर लूट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप आते हुए टीम नंबर 17 के पास, इसमें आया है AWM 0.300 मैग्नम, AUG 5.56 एमो, लेवल 3 आर्मर, एंड एक एड्रेलिन सिरिंज टीम नंबर 17 के पास में आया है। दैट इज़ आर लीथल का टीम, DHP LTL का टीम। मनीष यहाँ पे है, आई थिंक अच्छा लूट इनको भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेवल 3 गियर्स मिल जाएंगे, काफ़ी प्यारी लूट है। एंड स्कार्स की टीम के पास अगर हम वापस आए तो कैप्रिकॉन इज देयर, एंड तोवर में अभी फिलहाल ये टीम है, इनके पास में टीम नंबर 9 है, टीम नंबर 10 इज ऑल्सो देयर। कैप्रॉन के पास अगर हम देखें तो G3 एंड थॉमसन अभी फिलहाल है, लाई के टीम के पास चलते हैं। टॉक्सी इज देयर विद एन M762, लेट्स सी लाइक
डार्क स्टार हमारे यहाँ पे हैं एंड इनके टीममेट्स के पास अगर से तो बीआरसी बनी यहाँ पे पास से ही मूव कर रहे हैं, तो बीआरसी वर्सेस लाइव भी हो सकता है। तीन टीम्स हैं, काफ़ी पास से यहाँ पे रोटेशन ले रहे हैं, शॉट्स आ सकते हैं कहीं से भी बीआरसी की टीम पर। लाए के स्क्वाड को अगर हम देखें, लाए एंड स्कार्स की टीम के बिल्कुल बीच से यहाँ पे मूव करते हुए टीम नंबर 9 के प्लेयर्स, दैट इज़ आर बीआरसी की टीम। बट आई थिंक यहाँ पे डैमेज ऑल दो काफ़ी अच्छा मिला है ऑलमाइटी ओपी को, बट आई थिंक सेफली अभी फिलहाल ये निकल गए हैं। इनके टीममेट्स के पास अगर चले तो अल्ट्रॉन जय यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद नॉक हो जाएंगे। दोनों प्लेयर्स बहुत लो एच पी आ चुके हैं, इनफैक्ट अगर हम बायोन ओपी को देखें तो 1 एच पी पे है, अल्ट्रॉन जय यहाँ पे 5 HP अराउंड मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे था दो स्क्वाड्स के बीच से व्हीकल लेकर निकलना। लेट्स सी, वहीं अगर हम देखें तो टीम नंबर 17 अभी भी अपना पोजीशन होल्ड किया हुआ। पैनिक की टीम की साइड से अभी तक कोई रोटेशन नहीं आया है। ऑल माइट ओपी यहाँ पे तो नॉक हो चुके हैं। लेट्स सी उनके टीममेट के पास अगर हम चले तो बायोन ओपी इज दर, अल्ट्रॉन जय हमारे यहाँ पे अभी भी है। बनी के पास अगर हम देखें, स्कार्स की टीम का पुश आते हुए एंड एक नॉक यहाँ पे बनी करते हुए फिनिश करने का ट्राई कर रहे थे, बट पीछे से लाए की टीम ने इनको यहाँ पे जो है नॉक कर दिया है। तो टीम नंबर 8-9 थोड़ा प्रॉब्लम में आ रही है, ऑल माई टोपी या नॉक है। एंड टीम नंबर 9 के पास अगर चले तो अल्ट्रॉन इज देयर, एक नॉक यहाँ पे ले चुके हैं लाई की टीम से, टॉक्सी को इन्होंने नॉक किया है। थोड़ा रिस्की था यहाँ पे टीम नंबर 9 ने जो मूव लिया, बिकॉज दो स्क्वाड्स थे बिल्कुल डायरेक्टली उनके बीच से यहाँ पे व्हीकल लेके जो है रोटेशन ले रहे थे। एंड एक और नॉक यहाँ पे जो है आते हुए अल्ट्रॉन जय इधर नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 9 रिवाइव उनको देने का ट्राई करेंगे। डार्क स्टार इज ऑल्सो डाउन, स्कार्स की टीम यहाँ पे किल अपने लिए सिक्योर कर रही है अल्ट्रॉन को फिनिश करके। इनफैक्ट टीम नंबर 12 का इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे जो है स्कार्स की टीम का हुआ है, बट एक प्लेयर उन्होंने भी यहाँ पे शायद अपना लूज किया है। तो लेट्स सी लाइन 9 के पास अगर चले तो 9 इज हर विद इन M416। इनके टीममेट के पास में अगर हम चले तो टॉक्सी को रिवाइव अभी तक नहीं मिल पाया है। स्ट्रेंज इज देयर टीम नंबर 9 के प्लस ब्लीड आउट होते हुए। इनफैक्ट बायोन ओपी को अगर हम देखें काफ़ी ओपन से यहाँ पे मूव कर रहे हैं अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए। आई थिंक ऑल माई टोपी तो फिनिश हो जाएंगे, शायद यहाँ पे बनी को सेव किया जा सके। तो बायोन यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहे हैं उनको रिवाइव देने का एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू मेक इट। एंड बायोन तो यहाँ पे जो है रिवाइव होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक और ड्रॉप हमारे यहाँ पे आया था, लेट्स सी ड्रॉप में क्या आया। ड्रॉप में आया M249 5.56 का एमओ, 4x स्कोप, लेवल 3 आर्मर, लेवल 3 बैकपैक एंड ए गिली सूट ऑफ डार्क ब्राउन कलर। टीम 12, टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 9 लाइट टॉक्सी यहाँ पे जो है नॉक होते हुए लाइक की टीम से, टीम नंबर 9 से उनको यहाँ पे जो है नॉक किया गया है। बीआरसी बनी भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। तो स्कार्स की टीम काफ़ी अच्छा यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही है, अब दोनों टीम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लाइक स्क्वाड के लिए एंड टीम नंबर 9 दैट इज़ बीआरसी का स्क्वाड। आई थिंक यहाँ पे शायद फॉल बैक टीम नंबर 10 की साइड से मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है, या फिर डायरेक्ट पुश करेंगे टीम 9 पे बिकॉज प्लस नॉक है। तो लेट्स सी क्या डिसीजन यहाँ पे टीम नंबर 10 लेती है। व्हीकल यहाँ पे स्लैम किया बट दूसरी साइड पे स्कार्स का टीम भी है, तो दिक्कत आ सकती है पीछे से अगर स्कार्स की टीम ने यहाँ पे शॉट लिया। कंपाउंड कवर इंस्टेंटली यहाँ पे लेते हुए, आई एम वेरी श्योर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद स्कार्स की टीम थर्ड पार्टी करने का ट्राई करेगी। टीम नंबर 9 के पास अगर चले तो बनी ओपी तो यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं। तो इट्स अ 2v3 का फाइट, 2v3 का फाइट यहाँ पे जो है होते हुए लग रहा है। स्कार्स की टीम के पास अगर हम देखें तो टीम 19 भी मुझे यहाँ पे जो है रोटेशन लेते हुए दिख रही है। लेट्स सी बीआरसी बायोन ओपी के पास अगर चले तो ग्रेनेड यहाँ पे जो है कुक होना स्टार्ट हो चुका है। तो कनेक्ट होता है या नहीं वो तो फिलहाल अभी देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये नेट कोई खास डैमेज यहाँ दे पाएगा। एंड टीम 12 के प्लस अभी भी अपना पोजीशन होल्ड किया हुआ, पीछे से राइट की टीम से केयरफुल होना पड़ेगा शॉक को, बिकॉज पीछे टीम 19 के चारों प्लस यहाँ पे हैं। तो स्कार शॉक थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। AKM एंड VSS इनके पास यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड राइट के प्लेयर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो व्हीकल लेके मूव कर रहे हैं। शॉक अभी तक स्पॉट नहीं हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, इनके फेवर में यहाँ पे काम कर रहे हैं। मदारा इज ऑल्सो दैट, टीम नंबर 19 के पास यहाँ पे जो है शॉट्स लेने का ट्राई कर रहे हैं। शॉक फाइट लेना पड़ेगा बिकॉज टीम 19 आई एम वेरी श्योर उनको यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे, तो कैंप यहाँ पे जो है नहीं कर पाएंगे टीम नंबर 9 के पास। वहीं अगर चले तो बीआरसी बनी ओपी यहाँ पे जो है अभी टीम नंबर 10 के साथ फाइट में एंगेज है, दैट इज़ लाइक टीम 9 एंड स्ट्रेंज आर देयर।
टीम 19 की अगर हम बात करें तो अपना पोजीशन यहाँ पे चेंज करते हुए मुझे ये टीम दिखाई दे रही है। खिलटॉप यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई करें टीम नंबर 19 के प्लस, एंड आई थिंक यहाँ पे टीम 19 के दो प्लस डायरेक्ट व्हीकल स्लैम करें टीम नंबर 9 के पास, डैमेज यहाँ पे देने का ट्राई करें। लेट्स सी, थोड़ा सा रिस्की मूव हो सकता है, बट बायोन ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए, एंड यहाँ पे टीम नंबर 19 के एक प्लेयर बनी इनको नॉक करते हुए, राइडर को नॉक किया बट बनी को यहाँ पे फिनिश किया टीम नंबर 19 ने, एंड टीम राइट यहाँ पे टीम नंबर 9 को तो एग्जिट दिलाते हुए टीम नंबर 10 अभी भी यहाँ पर है। दैट इज आवर लाइक अ स्क्वाड, लेट्स सी लाय 9 के पास में अगर चल तो 9 इज हियर विद अ G360 टीम नंबर 19 हमारे यहाँ पे, एंड लाय स्ट्रेंज इज हियर विद एन M416। रमन चौधरी, हेलो सर, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बिग शाउट आउट टू यू सर। लेट्स सी, हमारे लाय का स्क्वाड यहाँ पे है, दो प्लस फिनिश ऑफ हुए थे, 9 एंड स्ट्रेंज आर देयर, टीम 19 किसी भी सेकेंड यहाँ पे जो है पुश कर सकते हैं। टीम 12 के पास अगर हम चले, स्कास की टीम अभी भी अपना पोजीशन वहीं पे होल्ड किए हुए हैं, एंड बैक टू बैक ग्रेनेड्स यहाँ पे जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंज यहाँ नॉक होते हुए ग्रेनेड से, राइट अल्फा का बहुत प्यारा ग्रेनेड, एंड लॉ यहाँ पे नॉक करने का ट्राई कर रहे हैं, पुश यहाँ पे जो है टीम 19 के सोलो प्लेयर का आते हुए फिनिश यहाँ पे जो है लाइक स्क्वाड को किया टीम नंबर 19 ने, काफ़ी अच्छा, बट इनकी टीम से एक प्लेयर नॉक है। स्कार्स की टीम से भी इन मदारा को यहाँ पे जो है रिटर्न नॉक करते हुए, स्कार्स की टीम से भी थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लग रहा है, शायद यहाँ पे आ जाएगी मदारा, आई थिंक एफ के थे, एंड लेट्स सी यहाँ पे नॉक कर पाते हैं रिटर्न या नहीं, बट खुद यहाँ पे जो है नॉक एंड फिनिश होते हुए टीम नंबर 19 अपना एक प्लेयर लूज करते हुए यहाँ पर टीम नंबर 12 को अगर हम देखें, 2v3 का सिचुएशन उनके लिए है, हल्का सा रिच का कवर है। दूसरी साइड से अगर मैं देखूँ तो शॉक काफ़ी अच्छा बैकअप यहाँ पे जो है अपने टीममेट को देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऑल द VSS इनके पास में, VSS इज सुपर्ब गन, काफ़ी अच्छा बैकअप यहाँ पे शॉक दे रहे हैं अपने टीममेट को। लेट्स सी मदारा की तरफ अगर हम चले तो मदारा इज हर इनके टीममेट के पास चलते हैं, H4X जोर, एंड आई थिंक यहाँ पे रिवाइव जो है इजीली दे देंगे। वहीं अगर हम टीम IM4 की बात करें तो IM4 की टीम से प्लेयर्स नॉक होते हुए दिखे थे, तो जल्दी से जाएंगे टीम IM4 के पास, आई थिंक टीम IM4 यहाँ पे फिनिश हो गई है। जी हाँ, लेट्स सी टीम 19 राइट की टीम से यहाँ पे एक नॉक आते हुए, इनफैक्ट शॉक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, ऊपर से ही इज गॉट अ VSS जिसका डैमेज बहुत हाई है, तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी प्यारा बैकअप जैसे कि अभी भी दे रहे हैं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर 19 की फ़ाइट यहाँ कैसे जाती है, एक नॉक ऑलरेडी यहाँ पे जो है आ चुका है। बाकी प्लेयर्स को अगर हम देखें तो जोन हमारा सेंट्रल शिफ्ट यहाँ पे लिया है, एक्सेप्ट फॉर द 3 टीम्स, आई थिंक एवरी अदर टीम इज़ इन द जोन। टीम PB की अगर बात करें, प्लान बी की टीम जोन एच पे अभी फिलहाल है, आई थिंक डाइनो पार्क या एबी की साइड से रोटेशन ले सकते हैं। टीम नंबर 4 नेगेटिव का स्क्वाड बिल्कुल सदरन पार्ट पे है, स्कार्स की टीम यहाँ पुश करते हुए ऑन टीम नंबर 19, दैट इज़ अ राइट का स्क्वाड डायरेक्ट पुश यहाँ पे जो है जा रहा है, एंड आई थिंक यहाँ पे 3v3 का इवन फाइट ऑल दो है। लेट्स सी, आई थिंक ग्रेनेड यहाँ पे शायद आ सकते हैं टीम 12 की साइड से, रॉड्रिक्स इज देयर अल्फा के पास अगर चले, अल्फा यहाँ पे स्मोक करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड लेट्स सी टीम 19 वर्सेस टीम नंबर 12 हमारा यहाँ पे चल रहा है अभी फिलहाल। एंड टीम नंबर 12 से आई थिंक एक नॉक यहाँ पे लेंगे, एंड एक नॉक लिया बट खुद यहाँ काउंटर नॉक हुए। आरआर अल्फा के पास अगर चले तो शॉक को भी यहाँ पे जो है नॉक करते हुए अकेले सोलो प्लेयर यहाँ पे जो है टीम नंबर 12 से बचे थे, एंड उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए टीम नंबर 19 यहाँ पे एक और स्क्वाड वाइप करके टोटल 7 किल सिक्योर करें। स्कार्स की टीम ने स्टार्टिंग में पुश जो किया था काफ़ी अच्छा किया था, बट देन राइट की टीम ने अपने फेवर में पूरा सिचुएशन लिया एंड यहाँ पे फिनिश उनको कर दिया है, एंड टोटल 7 किल्स यहाँ पे इस टीम के मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट दो प्लस कर चुके हैं अपने ये। लेट्स सी टीम नंबर 5 के पास अगर चले तो TS बीस्ट ओपी हमारे यहां पे हैं विद अ G360। हेलिक्स जेरी के पास अगर हम चल तो हेलिक्स जेरी एंड रिफ्लेक्स एंड क्रीड कंपाउंड काफ़ी अच्छा होल्ड किए हुए हैं, दो टीम्स इनके पास हैं, दैट इज टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 13 एज वेल। तो लेट्स सी टीम नंबर 4 के पास अगर हम चल तो टीम नेगेटिव हमारे यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा इनका भी गेम प्ले है अभी तक हमने देखा है, जो अलग अलग व्हीकल्स यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, वॉल्नोवो में यहाँ पे जो है एंटर हो चुका है ये टीम। टीम नंबर 8 की तरफ अगर मूव करें तो लेट्स सी टीम नंबर 8 हमारा प्लान बी का स्क्वाड इज देयर।
Let's see, PB ke Thug Pro YT with the G36C Ayaz is there and Hobbit and Wizard Compound एक काफ़ी अच्छे यहाँ पे होल्ड किए हुए टीम 17 के पास. अगर मैं चलूँ तो इनके पास आ चुका है हमारा टीम नंबर 11, दैट इज पैनिक का स्क्वाड. बहुत ओपी गेम प्ले इस टीम का है. लूट भी अगर हम देखें तो दे हैव गॉट एन M249 मॉन्स्टर रिजर्व विद एन M249. ऋषि पे यहाँ पे जो है शॉट्स आते हुए हैं, ऋषि शायद यहाँ पे नॉक हो जाएंगे. जी हाँ, ऋषि को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है बट टीम नंबर 5 टी एस की टीम का यहाँ पे उनको पोजिशन नहीं पता था. दे डिडंट न्यू कि यहाँ पे पास में जो कंपाउंड है वो होल्ड किया हुआ है, इसी की वजह से यहाँ पर ऋषि तो नॉक होते हुए. बट आई थिंक रिवाइव इनको ईजिली मिल जाना चाहिए. बट ग्रेनेड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी, टीम 11 तो यहाँ पे अपने टीममेट को इजीली रिवाइव दे देंगे. टीम नंबर 5 ने काफ़ी प्यारा यहाँ पे जो है ऋषि को नॉक किया था. इनके पास में अगर हम देखें टीम 17 इज ऑल्सो देयर. तो सैंडविच यहाँ पे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है पैनिक का स्क्वाड, बिकॉज दो साइड से काफ़ी ओपन है. कवर इनके पास इतना ज़्यादा नहीं है, एक ही साइड से आई गेस इनको यहाँ पे कवर मिल पा रहा है. बट लेट्स सी कहाँ पर अपना पोजीशन होल्ड करते हैं. वेयरहाउस यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अर्पन एंड डेविल ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है. स्मोक वॉल यहाँ पे बनने स्टार्ट हो चुके हैं टीम 11 की साइड से. तो लेट्स सी, ऋषि इज़र अभी तो ब्रोकन वॉल पर यहाँ पे है. व्हीकल लेकर आई थिंक डायरेक्टली अपने टीम मेट्स के पास जाएंगे. बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज बहुत ओपन हो रहा है. दोनों साइड से यहाँ पे जो है शॉट्स आ पा रहे हैं. तो लेट्स सी, टीम नंबर 11 पैनिक की टीम हमारी यहाँ पे है, टीम 17 इन द सेम कंपाउंड एंड टीम नंबर 5 अपोजिट कंपाउंड में. कैसे फाइट जाएगा? जोन अगर हम देखें, जोन भी इनके फेवर में बना है. थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ यहाँ पे जोन शिफ्ट हुआ है, एक्सेप्ट फॉर नेगेटिव की टीम. आई थिंक सभी टीम्स हमारी जोन में है. एंड लेट्स सी ड्रॉप में क्या आया है. ड्रॉप में आया है AUG 5.56 एमओ, लेवल 3 का आर्मर एंड एक मेड किट. लेट्स सी, टीम 17 की तरफ जाएंगे. मनीष हमारे यहाँ पे है विद एन AUG. लूट अगर हम देखें तो सभी टीम्स के पास काफ़ी अच्छी लूट है. ग्रोजा, AKM, MK14, M249, ये सब गन्स हमें देखने को मिल रही हैं. पीछे से शायद यहाँ पे नेगेटिव की टीम जो है मुझे ऐसा लग रहा है शॉट्स ले रहे हैं. जी हाँ, नेगेटिव के डीमन को अगर हम देखें, K98 इनके पास में है, स्पॉट इन्होंने कर लिया है. तो आई थिंक यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वाड भी अगर आ जाएगा तो 2-3 स्क्वाड्स हो जाएंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है. तो ज्यूज़ को अगर हम देखें, अभी तो जोन के बाहर यहाँ पर है. तो लेट्स सी, आई थिंक थोड़ा सा लंबा रोटेशन ले सकते हैं या फिर टीम नंबर 17 के साथ यहाँ पर फाइट लेंगे, वो तो अभी हमें देखना पड़ेगा. नाइट क्रॉलर इज देयर एंड TSK हेलिक्स जेरी YT एंड एक नॉक यहाँ पर जो है वो लेते हुए. लेट्स सी, टीम 17 यहाँ पे जो है शॉट्स ले रहे हैं. टीम नंबर 4 दैट इज टीम नेगेटिव पे काफ़ी अच्छा डैमेज इनको मिल रहा है. कंपाउंड का कवर यहाँ पे इस टीम को मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे व्हीकल अगर हम इनका देखें तो ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने ही वाला था. तो टीम नेगेटिव भी अपना ही कंपाउंड यहाँ पे होल्ड किया हुआ. इनफैक्ट ये चारों पांचों टीम्स बहुत ही पास में है, एक्सेप्ट फॉर द टू टीम्स, दैट इज आर राइट का टीम एंड प्लान बी का टीम, जो थोड़ा सा सेफ गेम प्ले यहाँ पे रख रहे हैं. तो थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. पैनिक मॉन्स्टर ने नेगेटिव ज्यूज को तो यहाँ पे व्हीकल ब्लास्ट करके उनको फिनिश कर दिया है. लेट्स सी, नेगेटिव के वेनम को अगर हम देखें, G36 के पास है, काफ़ी प्यारा कंपाउंड है एंड जोन हमारा यहाँ पे किसी भी सेकेंड शिफ्ट हो सकता है. जोन रोटेशन में यहाँ पे हमें पता चलेगा कहाँ पर टीम्स रोटेट करेंगी एंड सभी टीम जोन के बाहर हैं एक्सेप्ट फॉर टीम नंबर 8, दैट इज़ प्लान बी का स्क्वाड. सभी टीम्स हमारे यहाँ पे जोन में बाहर है. जोन रोटेशन के टाइम पे बहुत सारे प्लस अपने टीम्स जो है अपने प्लस यूज़ करने वाले हैं. वेनम को अगर हम देखें तो यहाँ पे बुश का कवर ये लेने का ट्राई करें. टीम नंबर 5 के पास चलते हैं. लेट्स सी, TS क्रीड हमारे यहाँ पे अभी भी कंपाउंड होल्ड करे हुए एंड आई थिंक थोड़ा जल्दी रोटेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी टीम्स को. लेट्स सी, क्रीड एंड रिफ्लेक्स हमारे यहाँ पे विद G36C. हेलिक्स जेरी की तरफ अगर चले तो जेरी विद इन M416 एंड बीस्ट के पास चलेंगे. बीस्ट ओपी विद G36C.
टीम नंबर 5 ने तो यहाँ पे व्हीकल्स निकाल लिए हैं, रोटेशन यहाँ पे उनकी तरफ से आ चुका है। टीम 13 के अगर हम आरटीएल क्रैक के पास चले तो प्लान बी की टीम के पास में यहाँ पे जो है आ चुके हैं मॉली, इनके पास आते हुए ग्रेनेड थोड़ा सा बैकफायर होते हुए एंथाक्रोवाइटी के ग्रेनेड से नॉक यहाँ पे हो चुके हैं, मॉली से यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। जी हाँ, टीम नंबर 13 अपना एक प्लेयर लूज करते हुए टीम नंबर 8 ने यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट मॉली एंड ग्रेनेड किए थे। टीम नंबर 13 का पुश यहाँ पे आया, फिनिश यहाँ पे उनको भी करते हुए टीम नंबर 8 काफ़ी प्यारे यहाँ पे 3 कल्स अपने लिए निकाल चुकी है। लेट्स सी टीम 13 तो हमारी यहाँ पर एग्जिट लेते हुए इनके पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ टीम नंबर 5 आते हुए दिखाई दे रही है। टीम नंबर 5 पॉसिबली यहाँ पे पुश कर सकते हैं, एक नॉक यहाँ पे आ चुका है, हॉबिट इज डाउन। वहीं अगर हम देखें हेलिक्स के हेल जेरी यहाँ पे जो है नॉक होते हुए, बीस्ट ओपी इज ऑल्सो डाउन, दो प्लस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 5 के। रिफ्लेक्स एंड क्रीड को अगर हम देखें लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्लोज इन करने का ट्राई कर रहे हैं, रिफ्लेक्स ब्रोकन वॉल पे अभी फिलहाल है उनके पास में, अगर देखें तो क्रीड इज देयर स्टोन पे अभी यहाँ पे वेयरहाउस में। टीम प्लान बी के चारों प्लेयर्स हैं, ग्रेनेड से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हॉबिट ओपी अभी भी नॉक है, रिफ्लेक्स के पास बैक टू बैक मॉली यहाँ पे आ रहा है एंड बीस तो फिनिश हो चुके हैं फ्रॉम टीम नंबर 5। हेलिक्स जेरी को यहाँ पे आई गेस शायद रिवाइव जो है मिल पाएगा, क्रीड स्मोक कवर यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, रिफ्लेक्स बैकअप यहाँ पे दे रहे हैं काफ़ी अच्छा, बट रिफ्लेक्स के पास बैक टू बैक ग्रेनेड एंड मॉली यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम टीम नंबर 8, दैट इज आर पीबी का स्क्वाड। तो लेट्स सी रिफ्लेक्स के पास यहाँ पे थग प्रो वाईटी आते हुए एंड उनके साथ अगर मैं देखूँ एज इज दैट टीम नंबर 8 यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बैकअप उनको नहीं देना पड़ रहा, देने दे रही है। रिफ्लेक्स यहाँ पे एक नॉक किया थग प्रो वाईटी, फिनिश भी उनको यहाँ पे किया। दूसरी साइड अगर हम देखें क्रीड यहाँ पे जो है हॉबिट ओपी को नॉक करते हुए, विजर्ड इज ऑल्सो डाउन, टीम प्लान बी से अकेले सोलो प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, बट टीम 5 के प्लेयर को यहाँ पे क्रीड को उन्होंने नॉक किया 1 HP पे। लेट्स सी हेलिक्स जेरी अकेले यहाँ पर बचे हैं एंड आई थिंक यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स को अगर हम देखें बहुत लो HP पे हैं टीम नंबर 8 के। अयाज ने यहाँ पे 1 HP पे क्रीड को नॉक किया, दैट वाज सुपर्ब एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या टीम नंबर 5 एग्जिट लेती है या फिर हमारा टीम नंबर 8। अयाज यहाँ पे जो है फिनिश ऑफ करते हुए टीम नंबर 5 को, अयाज ने 1 HP पे नॉक किया था क्रीड को, बहुत काबिले तारीफ था यार। एंड लेट्स सी वहीं अगर देखें जोन इन्हीं के फेवर में बन रहा है, टीम नेगेटिव एंड टीम पैनिक हमारा यहाँ पे चल रहा है, नेगेटिव के नाइट क्रॉलर के पास अगर हम चले तो पीछे के टीम 11 इज देयर, दैट इज आवर पैनिक का स्क्वाड। काफ़ी एक लॉन्ग रेंज फाइट यहाँ पे मिड रेंज फाइट लेने का ट्राई कर रहे हैं दोनों टीम्स को, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जोन में रोटेट करना पड़ेगा, 37 सेकंड्स में जोन हमारा यहाँ पे डैमेज इनको देना स्टार्ट कर देगा एंड वन ऑफ द फाइनल सर्कल है, बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा। लेट्स सी डेविल इज देयर थोड़ा सा यहाँ पे लूट करते हुए, लेट्स सी अयाज के पास अगर चले, अयाज विद इन 1 KM, अयाज ने यहाँ पे क्या ही फिनिश किया था, दैट वाज सुपर्ब यार। टीम नेगेटिव के पास चलते, क्रॉलर एंड नाइट क्रॉलर इज देयर, टीम नंबर 19 यहाँ पे स्पॉट होते हुए एंड स्प्रे यहाँ पे M4 का गया, डैमेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया था, नॉक नहीं कर पाया बिकॉज कवर में यहाँ पे जो है प्लेयर मूव कर गए, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे टीम 19 को दिक्कत देने के लिए। पीछे से बस थोड़ा टीम 11 से इनको केयरफुल रहना पड़ेगा, डीमन को अगर हम देखें तो टीम 17 को भी यहाँ पे जो है वो स्पॉट करते हुए। लेट्स सी नॉक यहाँ नहीं कर पाए बट पापड़ को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बॉडी शॉट एक दिया है नेगेटिव के डीमन ने एंड एक शॉट और अगर कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे वो नॉक हो सकते हैं। टीम नंबर 17 से डीमन काफ़ी लो HP आ चुके हैं अभी। टीम नाइट की अगर हम नेगेटिव की अगर हम बात करें, टीम नेगेटिव 2-3 जगह पर दे आर ट्राइंग टू टेक फाइट जो कि इनके लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है बिकॉज दे आर टेकिंग फाइट विद टीम नंबर 17 एज वेल, टीम 19 राइट के स्क्वाड के साथ भी, पैनिक की टीम के साथ भी यहाँ पे फाइट लेने का ट्राई करते हैं बट पैनिक की टीम तो जोन की तरफ यहाँ पे रोटेशन ले चुकी है एंड टीम नेगेटिव को जोन का डैमेज यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा दिक्कत इनको यहाँ पे जो है जरूर आने वाला है। लेट्स सी नाइट क्रॉलर के पास अगर चले, पीछे टीम 19 से किल्स यहाँ पे निकाल, किल्स का लालच यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है टीम नेगेटिव के लिए भारी पड़ सकता है, प्ले जोन का डैमेज क्योंकि इनको काफ़ी मिल रहा है। राइट के प्लेयर्स को अगर वहीं हम देखें तो प्ले जोन से यहाँ पे फिनिश होते हुए दिख रहा है तो टीम 19 तो हमारी शायद यहाँ प्ले जोन से फिनिश हो जाएगी एंड आई थिंक टीम नंबर 4 को भी काफ़ी दिक्कत यहाँ आने वाला है। लेट्स सी पैनिक की टीम के पास अगर हम चले, तो पैनिक का स्क्वाड यहाँ पे है जोन के एज पे अभी फिलहाल ये टीम मुझे दिखाई दे रही है एंड मनीष यहाँ पे जो है नॉक होते हुए, नाइट क्रॉलर ने उनको यहाँ पे नॉक किया है बट जोन भाई जोन से यहाँ पे नॉक हो जाएंगे बिल्कुल 1 HP पे, हल्का सा भी डैमेज इनको यहाँ पे जोन से मिला तो फिनिश हो जाएंगे बट पैनिक की टीम ने किल यहाँ अपने लिए सिक्योर किया एंड नेगेटिव की टीम हमारी यहाँ पे जो है एग्जिट लेते हुए। पैनिक की टीम के चारों प्लस यहाँ पे अलाइव हैं। टीम नंबर 17 की अगर हम बात करें तो उनकी टीम से मनीष जस्ट अभी अभी प्ले जोन से फिनिश हुए हैं। लेट्स सी टीम लिटिल के पास अगर चले तो लिटिल पापड़ इज देयर, काफ़ी अच्छा कार रेंटेड का शॉट इनको मिला था टीम नेगेटिव की साइड से बट हील अप इन्होंने कर लिया है। एंड लेट्स सी इनके टीममेट की तरफ अगर हम चले तो इनके टीममेट इज देयर विद इन M416।
एंड पैनिक की टीम इज है, चारों प्लेयर्स इनके अलाइव हैं। एंड पी बी अयाज के पास अगर हम देखें तो शायद यहाँ पे टीम 17 ऐसा लग रहा है कि पुश कर सकते हैं। दो साइड से यहाँ पे जो है टीम 17 के प्लेयर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हैं, एक दूसरे को बैकअप नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो अयाज को अगर हम देखें तो जोन एज पे जस्ट वेट कर रहे हैं कि कहाँ से पुश आए तो शॉट यहाँ पे जो है ले। एंड लेट्स सी टीम 11 की तरफ अगर हम चलें तो पैनिक मॉन्स्टर रिजर्व जोन के बाहर ये टीम है, जोन की तरफ से थोड़ा लेट रोटेशन आ रहा है। लेट्स सी पैनिक की टीम के पास चलते हैं, डेविल इज देयर पीबी अयाज के पास यहाँ पे आते हुए। अयाज को यहाँ पे साउंड आ चुका है कि प्लस आ चुके हैं, 1v4 का सिचुएशन इनके लिए। लेट्स सी क्या 1v4 यहाँ पे कर जाएंगे। लेट्स सी पैनिक की टीम को आई थिंक यहाँ पे शायद हिंट नहीं है कि एक प्लेयर है, बट देखते हैं कैसे यहाँ पे जो है फाइट जाएगी। पीछे से टीम नंबर 17 भी हमारी यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी कर सकती है। एंड आई थिंक अयाज को एक हिंट है कि पीछे से भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो स्मोक का कवर यहाँ पे ये बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक जोन में यहाँ पे ये मूव करने का ट्राई करेंगे, ये थोड़ा सा रिस्की पोजिशन हो जाएगा 1v4 का फाइट लेना इनके लिए। लेट्स सी टीम 17 के 16 प्लेयर अभी इनके पास में है। पैनिक की टीम की साइड से यहाँ पे बैक टू बैक ग्रेनेड्स एंड स्मोक्स का कवर जो है आना स्टार्ट हो चुका है। टीम 11 को भी जोन में एंटर यहाँ पे करना है। मॉली बहुत ही परफेक्ट मॉली एक यहाँ पे आया पैनिक की टीम की साइड से। अयाज को काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है डैमेज मिला है, जल्दी से यहाँ पे हील करेंगे। बट एक और मॉली यहाँ पे आया, बिल्कुल परफेक्ट प्रिसाइज मॉली। एंड आई थिंक अयाज यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा है फिनिश ऑफ हो जाएंगे, जल्दी से हील करेंगे। बहुत लो एचपी पे है, जोन डैमेज इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 0 सेकंड में जोन क्लोज इन हो रहा है, बट पैनिक की टीम इतना ईजिली इनको यहाँ मूव नहीं करने देगी बिकॉज स्पॉट इनको कर लिया गया है, तो फाइट यहाँ लेना ही पड़ेगा। 1v4 का फाइट है। एंड पीछे से इनको फिनिश ऑफ यहाँ पे करते हुए पैनिक ऋषि, पैनिक की टीम यहाँ पे एक और किल अपना सिक्योर कर चुके हैं। टीम लीथल से पापड़ इज डाउन, जस्ट अभी अभी पैनिक डेविल ने उनको नॉक किया है। एंड लास्ट अकेले प्लेयर यहाँ टीम नंबर 17 से बचते हुए, एंड लेट्स सी यहाँ के नॉक कर पाएंगे। डेविल को यहाँ पे काफ़ी प्यारा इन्होंने नॉक किया है। तो टीम 11 से पैनिक की टीम से डेविल इज डाउन, स्टिल इट्स अ 1v3 सिचुएशन, अभी भी 1v3 का सिचुएशन है इनके लिए। पैनिक मॉन्स्टर यहाँ फिनिश ऑफ करते हुए, एंड इस बार फिर से यहाँ पे जो है चिकन डिनर निकाला है टीम पैनिक ने विद टोटल 2-4-5-6 किल्स के साथ। एंड सेकंड पोजीशन पर अगर हम